से कि अगर कोई लीड कर रहा है तो वो हमसे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। हुँ. वो शायद ओएसटी का शूट के लिए भी 4 दिन कहीं जाएगा, वो अपना बाकी आगे पीछे की चीजें भी कर रहा होगा, उसके सीन्स भी हमसे कंपैरेटिवली नंबर ऑफ सीन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग भी हमसे ज्यादा होंगे, तो अगर उसको ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है। उसके अलावा जितने हैं उनमें बहुत फ्लक्चुएशन है। अच्छा, न्यूबीज को तो कुछ भी नहीं देते, एंड नाउ अपने प्रोडक्शन न्यूबीज को बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हमारे ऑफिस के सीन्स हों और गलती से किसी का कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रियली आपको ये वाली फीलिंग अंदर से आती है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नाउ आई हैव अराइव्ड, यू नो, नाउ आई विल गेट वर्क बिकॉज आई हैव गिवन माय 100% 200% मैंने दे दिया है, अब मुझे काम मिलेगा, अब तो कॉल है मैसेज, अब तो सबको पता होगा मैं कौन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना कभी भी बहनों और भाभियों वाले रोल ऑफर ही नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलल लीड किए और लीड किए। मेरे लिए ये माइंडसेट लीड और पैरेलल लीड के अलावा बाकी सारे थूथू हैं। इट डजंट मेक सेंस। आपने कोई काम किया? नहीं। लास्ट दावे में कुर्सी बनी थी, आप बताएं। तो ये वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। प्रोडक्शन हाउस ना बार बार अगर ड्रामा अच्छा नहीं चल रहा या आप और मैं उसकी तारीफ ना करें तो वो कहेंगे आप टारगेट ऑडियंस नहीं है। आप ऑडियंस ही नहीं हो यार। Every set that I go to, by the time we're on the last spell and we're wrapping up the project, everyone has started their new dramas. I'm the one left. Final spell is always a panic spell for me. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। I cannot buy this from anyone who say के हमें तो पता ही नहीं था। थर्ड एपिसोड ऑफ एंटरटेनमेंट इनसाइडर्स। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव वेरी टैलेंटेड वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी चार्मिंग थ्री लेडीज विद मी फ्रॉम द इंडस्ट्री। और ये उर्दू में बोलना चाहिए था बट चलें, इतनी इंग्लिश जायज़ है, आगे उर्दू में बात करूँगी। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक हमारे काफ़ी ढेर सारे हैं और वो रिवॉल्व कर रहे हैं फीमेल एक्ट्रेसेस, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी इंडस्ट्री में, क्या आज भी एक फ़ीमेल एक्ट्रेस को बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, क्या आज भी सोसाइटी उसको एक एक्ट्रेस होने के लिए जज करती है, क्या लीड एक्टर के रोल पे स्विच करना फ्रॉम अ सपोर्टिंग रोल इजी है या नहीं है, इस तरह की हम बहुत सी बातें करेंगे, और क्या कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री में। सो लेट्स मीट आवर गेस्ट एंड स्टार्ट आवर डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस। वैसे तो मेरा ख्याल है कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट वी हैव दानिया अनवर जिनको हमने रिसेंटली जन्नत से आगे और एहसान फरामोश में देखा था, वी हैव रहमान जमान जिनको हम मन्नत मुराद में देखने बड़ा गुस्सा भी कराते हैं कभी कभी मुझे ये, और हमने उनको उससे पहले मेरे बनजाओ में देखा था, और हमारे साथ हैं माहम आमिर, एक थी लैला एंड गिरफ्त में हमने उनको रिसेंटली देखा था। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। जिस दिन से आइडिया आया था और जिस दिन से मुझे इन सब ने, अच्छा मैंने बड़े डरते डरते इन लोगों को मैसेज किया, इनको पता नहीं कोई इन टॉपिक से बात करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, बट आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि Each one of you replied back with, you know, एकदम से एक तो जवाब आया और एक्साइटमेंट के साथ तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई, क्योंकि जब भी आप कोई, आई एम नॉट सेइंग कि नई चीज है, बट मुझे लगता है इन टॉपिक्स पे बहुत कम बात होती है, लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं और ऐसे डिस्कशन तो बहुत ही कम होती है, तो मुझे थोड़ा सा था पता नहीं कोई करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग फ्यूशिया इन दिस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। एटलीस्ट समवन वांट्स टू टॉक अबाउट इट। यस, एंड आई लव ऑल थ्री ऑफ अस हियर। आई लव इट। यस। अच्छा, सबसे मजे की बात ये ना, जब शुरू हुआ तो ये डायरी पड़ी हुई थी दानिया की, मैंने कहा वाओ, मैं ना थोड़ा वो हो गई, मैंने कहा वाओ शी इज कमिंग विद नोट्स राबिया, प्रेशर बहुत है, सवाल अच्छे होने चाहिए, मैं ना लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज व्हाट आई थॉट, लाइक अबे यार ये डायरी पड़ी हुई है, और फिर थोड़ी देर बाद डायरी गायब हो गई, मैंने कहा दानिया ये डायरी कहाँ गई, तो वो खुद ही बताएंगे कि डायरी क्यों थी, फिर मैंने कहा नहीं डायरी वापस लेकर आई, क्योंकि मैंने इसका इंट्रो अच्छा सोचा हुआ था, मेरा ये मेरा कांटे बन गया, सो व्हाई वाज द डायरी देयर? आई ऑलवेज कैरी अ डायरी। आई एम अ पर्सन जिसे
चीजें पता होती हैं, टाइम के वक्त ना तो फिर क्या होता है इज्जत बचाने के लिए नहीं एक सीख में हाउ डज इट वर्क, वो मीटिंग पे जाने से पहले आप जल्दी जल्दी देख रही होती है कौन है या मीटिंग में किसी बहाने से या किसी मुलाकात में यूजुअली व्हेन आई एम राइटिंग डाउन माय थॉट्स सो व्हेन आई एम राइटिंग इट तो ऑलरेडी याद हो जाते हैं बट फिर भी एक एंग्जायटी और एक वो होता है कि अगर भूल गई I have my safe space. So, I will just probably आपको बातें कर रहे होंगे मैं उसको निकाल के I will just because I can say अच्छा ऐसे हुआ वैसे हुआ राबिया so I will say यार मेरे साथ नीले कपड़ों में तो बैठने हो रहे हैं रे तो ये वापस रख दें या अभी चलेगा काम इसका नो 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 आई कीप इट नाउ दैट यू गिवन मी आई थॉट मैं तो आपकी वजह से डर गई थी मैंने कहा क्या आप टेबल पे रख आई वांट टू नो कि इसमें लिखा क्या अभी अभी क्या नोट्स बनाए हमारी जो हम लोग कर रहे थे उससे रिलेटेड क्या उससे कोई रिलेटेड नोट्स नहीं लाइक लिटरली हाफ ऑफ यू कांट यार हम लोग बोरिंग हैं कोई नोट ही नहीं बना यार हम बोरिंग हैं ऐसा कैसे होता है सानिया व्हाट इज दिस Sorry. I think हम आपको वो time दे सकते हैं. You can quickly write up something. By the end of the interview, I'll show you my time. Then I don't want to see. अच्छा और फिर दूसरे मजे की चीज़ भी कह रहे हैं जो है वो I have to share these things with you guys. Sure, sure. What happened? रहमा कुछ लेंगी? नहीं नहीं पानी पानी. ठीक है. अब 15-20 मिनट गुजर गए हमने नहीं स्टार्ट किया क्योंकि सेटअप हो रहा था फिर अजान हो रही थी तो आई थिंक अब वो पानी की स्टेज से गुजर के रहना चाय की स्टेज में होगी लेकिन बिकॉज पहली बार हमारे पास आई है थोड़ा झिझक रही थी आई थिंक इट टुक अ 10 मिनट टू इवन से दैट टू अर्न आई कैन हैव अ कप ऑफ टी बिकॉज़ देयर वाज ओनली वन कप मिसिंग ऑन द टेबल या ओनली दैट वन तो 10 मिनट लगे रहमा को ये करेज लाने के लिए कि मैं किसी तरह बोल के मैं भी चाय ले लूं ले लूं शी वाज सो क्यूट व्हेन शी सेड इट बट होता है जब नए नए हो इंडस्ट्री में और इस तरह तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है बट वी आर फ्रेंड्स दो कप थे तीन हो गए तो फिर मैंने मंगवा लिया मैंने कहा दो होते तो चलो ठीक है आउट ऑफ कर्टेसी नहीं नहीं सही है और माम के साथ हमारी आती साथ शुरू हो गई स्टार्ट हो रही थी कुछ गॉसिप का हिस्सा हमने अभी बैठे बैठे थोड़ी पहले जैसे किया वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग विदाउट द नेम विदाउट द नेम एंड यू लाइक ओह वी वर टॉकिंग अबाउट दैट तो वो अच्छा मजे का हां जी हां चलिए जी सो लेट्स जंप इनटू द सीरियस कन्वर्सेशन सो पहला सवाल ये है कि रानिया आप और माम काफी अरसे से माशाल्लाह से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और डिफरेंट रोल्स किए हैं डिफरेंट चैनल्स के साथ काम किया है आपने आके चले गए ब्रेक लिया फिर दोबारा आ गए ये भी हुआ रेमा यू आर रिलेटिवली न्यू आई थिंक दो साल से यू नो तो आप तीनों के डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं डिफरेंट यू नो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली चैलेंजेस में व्हाट आई वांट टू आस्क इज अगर जनरली हम इंडस्ट्री को देखें और उन लोगों को देखें जिन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए हैं या वो कैरेक्टर रोल्स में आते हैं कितना मुश्किल होता है कि उनको लीड रोल्स मिल जाएं क्या ये जर्नी हर किसी के लिए आसान हो जाता है स्पेशली बोथ ऑफ यू जिन्होंने लीड भी किए बट अब आप लोग सपोर्ट में हम आपको देखते हैं इस ट्रांजिशन का क्या होता है और जो लोग जैसे रहमा को मैं लूँ तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कितनी उम्मीद है उनको क्या थोड़े अरसे बाद गिव अप कर देना पड़ता है कि यार नहीं अब इतना अरसा हो गया है दिस इज़ अ नो गो एरिया बिकॉज इंडस्ट्री ने लीग्स बनाई हुई हैं कुछ भी कर लो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते Who would like to take it first? Okay, so I think I'll start. Okay. Yeah. So let's say मैंने भी सिर्फ दो साल हुए हैं So I'd say I'm hopeful कि लीड मिल जाएगा Because इतना मैंने बोल के मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ तो अब जी मैं उस कैटेगरी में आ गई नथिंग लाइक दैट सो आई एम होपफुल सो आई लाइक इट यू आर बीइंग रियलिस्टिक या सो आई एम होपफुल बिकॉज़ प्रैक्टिकली इतना टाइम नहीं आई हैव सीन पीपल जो आज लीड पे कर रहे हैं दे हैव बीन अराउंड लाइक फॉर 20-15 इयर्स एंड ओनली नाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड राइट सो आई एम होपफुल अबाउट दैट इंशाल्लाह बट यस दैट्स समथिंग जो मुझे थोड़ा सा हिट बैक करती है बिकॉज़ every set that I go to या मैं जो भी drama करती हूँ by the time we're on the last spell and we're wrapping up the project everyone has started their new dramas okay everyone's working top to bottom everyone's like they all have signed up new projects I'm the one left and then ना मुझे थोड़ा सा मेरा वो final spell is always a panic spell for me because I see everyone you know asking the director sir मेरी ये वाली dates वहाँ हैं आप मुझे ये देंगे दे, मैंने वो drama शुरू किया मैं like मेरी dates क्यों नहीं है कहीं और मतलब ये क्या बात है अच्छा तो ये मेरे साथ बहुत होता है अच्छा बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे दो चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं तुम ये कैरेक्टर क्यों कर रही हो यू आर अ वेरी गुड एक्टर तुम कुछ बेहतर करो एंड दूसरा मुझे ये होता है कि अच्छा ये वाली जो बात है कि तुम ये वाला कैरेक्टर क्यों कर रही हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तुम में बहुत पोटेंशियल है मुझे हमेशा ही सुनने को मिलता है यू आर अ नेचुरल परफॉर्मर यू कीप इट रियल दिस एंड दैट माई क्वेश्चन इज मैं क्या करूँ
मैं जाके दरवाजे बजाऊं. मतलब अगर मुझे कोई कैरेक्टर ऑफर होगा लीड पे या पैरेलल लीड पे, चलो नेगेटिव भी, एटलीस्ट जिसके अंदर परफॉर्मेंस मार्जिन है, आई वुड लव टू डू दैट. बट सी, मेरा क्या पॉइंट होता है कि चलो ठीक है, मैं आई हैव बीन प्लेइंग सिस्टर फॉर 2 years नाउ, बट अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सी, यू आर अराउंड, आप स्क्रीन पर हो, तो ये मेरा एक रहता है. बट हाँ, आई फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट डू आई डू कि मुझे मतलब लीड मिल जाए. आई थिंक ये आएगा ही, बिकॉज सी हमारी फील्ड में क्या होता है, हमारे पास कोई रेज्यूमेज नहीं है कि हमने कंपनी में जाके सबमिट कर दिया कि ये हम काम करते हैं, आप हमें इसमें ले लें अगर आपको ठीक लगता है. हमारा काम ही हमारा रेज्यूमे है, ठीक है, जो भी हम करते हैं, जितना हम दिखते हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड मैं कर लेती हूँ. बट यू नो, या पर्सनली आई रियली आई वुड लव टू डू अ लीड कैरेक्टर. बट यू फील कि इट्स चैलेंजिंग है. आई फील हेल्पलेस इन द सेंस कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मतलब मैं जाके काम मांग नहीं सकती, या मैं किसी को, मुझे काफी लोगों ने कहा कि तुम बात करो, तुम जाओ, तुम मीटिंग कर लो, तुम इधर जाओ, तुम इस प्रोडक्शन हाउस में जाओ, तुम वहां जाओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अजीब लगता है ये करना कि हाय आई एम देयर, मुझे कुछ है आपके पास करने के लिए, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता. दैट्स नॉट मी पर्सनली, लोग करते होंगे, बट फिर भी अंडर प्रेशर आके मैंने 2-3 जगह पर कॉल की. बट देन आई फील लाइक कि व्हेन यू डू दिस ना, देन यू सडनली कम इन दैट कैटेगरी के ओ ये तो काम मांग रही है. तो मुझे लगता है वो आपकी बहुत इमेज पर इफेक्ट कर जाता है कि ओके शी नीड्स इट, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू हर. और हम उसे कुछ भी करवा सकते हैं. या नाउ अगर हम उसको भाभी दे दें वो कर लेगी, हम उसको ये दे दें वो कर लेगी, ये वाला बहन बनाते रहो, दोस्त बनाते रहो, नेबर बना दो, तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है आती है. हाँ, और उसके अलावा जब तक आपको कोई एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट नहीं मिलता एंड आप वायरल नहीं हो गए एंड लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर लिया, मुझे ऐसा लगता है पब्लिक डिमांड पे आपको भी इन डिमांड आप आ जाओगे ऑटोमेटिकली. तो जब तक या वो नहीं होता, सो मे बी यू, इट्स लक, लक भी है साथ साथ और आपकी मेहनत. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू कि मैं अपना हार्डवर्क अपना 100% दे दूं, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. या आई रेजोनेट अ लॉट विद व्हाट शी इज सेइंग. एज अ न्यूकमर आई थिंक वी हैव ऑल बीन फेल स्टिल स्टिल आई वुड से. या व्हाई नॉट. मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस है और मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगी कि मैं ना बहुत ज्यादा काम पे प्रोफेशनल हूँ, जाऊंगी काम करूंगी, लेकिन अदरवाइज ना मैं बहुत लेजी हूँ कि मैं जाऊं किसी से मिलूं, मैं वो हिम्मत करूं, कनेक्शन करूं. और मैं कर सकती हूं और मेरी जॉब का ये हिस्सा है कहीं ना कहीं. जैसे हमें बुरा लगेगा शायद कि दरवाजा खटखटाना है, लेकिन ये जॉब का हिस्सा है. लेकिन मैं लेजी हूं. अगर मैं रात को तहिया करके सोई हूं कि कल मैंने फना जगह जाना है, सुबह उठ के मुझे और बहुत सारी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ की इतनी प्रायोरिटी पे नजर आती है कि मैं कहती हूँ यार आज फिर मैं अपना दिन जाके वहां पे जाया ही करूं. मुझे पता नहीं क्यों वो चीज नहीं समझ में आती, जो कि मेरी वीकनेस है. मैं इस पे कोई प्राउड नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक ये हमारे काम का हिस्सा है. जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, उन्हें उसका रिजल्ट मिल भी रहा है. सो वो एक छोटी सी चीज है. अब होगा ये जैसे रहमा ने कहा कि शी वुडंट वांट टू गो और जाके दरवाजा खटखटाए, बट इसकी जगह बहुत सारे लोग और खटखटा रहे हैं. और ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है, डिलेमा है बड़ा सा एक. तो बहुत सारे लोग जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. और उसके अंदर ये भी होता है, आई थिंक ये जायज़ बात भी है ना, कि अगर उन्होंने लेट्स से एक स्क्रिप्ट लिया और सोचा कि ये मुझे लगता है कैरेक्टर दानिया अच्छा कर लेगी, लेकिन लेट्स से कि अभी उन्होंने सोचा था कि दानिया को मैं फ़ोन करूँगा, इन दैट प्रोसेस आपके पास 3 लोग और आ गए कि विजिट करने ऑफिस में कि बॉस क्या चल रहा है आपका, स्क्रिप्ट दिखाएं, ओ अच्छा ये कैरेक्टर बहुत अच्छा, ये मैंने करना है बॉस, ये मैंने करना है बॉस, ये मैंने करना है. और जिस तरह बच्चे अपने अम्मी अब्बू से जिद करते हैं, उस तरह से जिद कर रहे हैं कि ये नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे यही करना है, करना है, आप कराएंगे ना, आप कराएंगे ना. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर है कि आपके सामने जो होता है वही फिर आपके रह जाता है दिमाग में. तो वो वाली मेहनत हमें शायद करनी चाहिए है, बट एक पर्सनालिटी भी होती है ना. मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है, तो मेरे लिए क्या मैटर करता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, मैं वो अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन करती हूँ. ठीक है, आई विल कम बैक टू यू. वहाँ पहले बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग, आई जस्ट टेक फ्यू लाइंस फॉर दैट. मैंने बड़ी मजे की बात की, जब बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दूसरे लोगों के पास सबके पास डेट्स होती है, व्हेन आई एम डन, अच्छा मुझे क्यों नहीं कॉल नहीं बताई, आई हैव बीन देयर, आई फेल दैट, बट या आई हैव बीन देयर, ऑफ कोर्स आई हैव बीन देयर, एंड आई वाज थिंकिंग यार ये क्यों होता है. फिर मैंने रियलाइज किया कि जब आप पहला शूट करने जाते हो ना, लाइक योर फर्स्ट डे, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट ड्रामा, फर्स्ट व्हाटएवर गिग दैट यू गेट,
इट्स लाइक कि आपको ये वाली फीलिंग अंदर से आती है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नाउ आई हैव अराइव्ड, यू नो, नाउ आई विल गेट वर्क बिकॉज़ आई हैव गिवन माय 100% 200% मैंने दे दिया है, अब मुझे काम मिलेगा, अब तो कॉल है मैसेज, अब तो सबको पता होगा मैं कौन हूँ. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. पहला काम मिलना मुझे लगता है बड़ा आसान है. दूसरे काम का इंतजार करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज वो टाइम वो होता है जब आप सोचते हो कि शायद ये मेरी लाइन ही नहीं है, मुझे नहीं आएगा काम. आप इतना अपने आप में, मेरे साथ ये बहुत होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज ये वाली फीलिंग आपको हमेशा आती है कि अच्छा मैंने तो यार अपना 100% वहां दिया था, फिर क्या हुआ. और लोग भी कह रहे हैं, हाँ, और लोग भी कह रहे हैं, डायरेक्टर भी कह रहे हैं, जब आपने कुछ शॉट दिया है उसके ऊपर तालियां भी बजी हैं. अच्छा, अब तो इंस्टाग्राम है, व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज नो इंस्टाग्राम, इतना शायद फेसबुक होगा प्रोबेबली व्हेन आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स, पर इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट मैं नहीं थी उस वक्त. तो वो वाली जो अब हाइप क्रिएट होती है, वो वाला पार्ट भी हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा नहीं, आई एम नॉट देयर. व्हाई इज बिकॉज इस काम के लिए हमें इतना कॉन्स्टेंट रहना पड़ता है कि आप लगे हुए लगे पर फोकस के साथ, कि आपको अगर ये करना है ना तो फिर आपको इसलिए करना है, नहीं है कि ये आपका ब्रेड एंड बटर है, देन यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू वॉन्ट टू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट कि आपको वो वाला टाइम मिल जाए. एंड व्हेन यू आस्क लीड, दैट्स व्हाट यू आस्क, राइट, सपोर्टिंग से लीड कितना आसान है. सपोर्टिंग से लीड मैं ये नहीं कहूंगी आसान है, लेकिन प्रोबेबली कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी नहीं होता. कभी कभी राइट प्लेस राइट टाइम भी होता है. राइट, जैसे दानिया ने बात की कि हाँ अच्छा, अगर वो प्रेजेंस में आके दिमाग में और फिजिकली कोई और मौजूद है, दे विल ऑलवेज अप्रोच दैट पर्सन बिकॉज हाँ वो तो दिमाग में है, लेकिन यार ये भी कर ही लेगी ना ये कैरेक्टर, तो इससे करवा लेता हूँ. अगर लीड करी, लीड के लिए भी आई थिंक ऐसा है कि कभी कभी आपको कोई चीज ऐसी ऑफर होती है. मेरे साथ ये हो चुका है, जब मुझे कोई नॉर्मल कैरेक्टर ऑफर हो रहा था द फर्स्ट टाइम आई डिड माई लीड, और उस वक्त प्रोबेबली आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस, और उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हाउ अबाउट महम कैन डू दिस वन. ओके, दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट लीड, कि अच्छा नहीं ये वाला दिमाग में है, बुलाया मुझे इस कैरेक्टर के लिए, मुझसे ले रहा, मुझे दिमाग में आया कि हाय हाय इन्होंने ये कैरेक्टर दिया था, अब इससे भी कुछ बुरा दे देंगे मुझे, मतलब ये तो चलो ठीक था लेकिन अब इससे भी बुरा आएगा. लेकिन तब मेरे पास लीड आ गया बिकॉज उनको ऐसा लगा कि शायद ये इतनी पोटेंशियल है, ये कर लेगी. तो नहीं, दिस सर्टेन नहीं, हमें मेरे ख्याल से इसके अंदर बड़ा कॉन्स्टेंट रहना पड़ता है. और वो वाली बात के जैसे होता है ना दिमाग में, जो मैंने कहा कि आई हैव अराइव्ड, वो सबसे वो वाला पार्ट सबसे मुश्किल होता है कि ये कैसे गुजरेगा. हम प्रोडक्शन हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली वो बहुत पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी टीआरपी और अपना रेवेन्यू सब कुछ चाहिए. सो आई फील लाइक अगर मैं किसी पे लगा रही हूँ पैसा, एंड दैट्स अ न्यू फेस, सो दैट्स अ रिस्क, राइट. हमें नहीं पता कैसे एक्ट करेगी, कितनी बार रिप्लेस भी हो जाता है, क्या कुछ हो जाता है. आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, बट आई वाज ऑफर्ड अ प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, टाइटल पर पैरेलल लीड सॉर्ट ऑफ थिंग, बहुत अच्छा ट्रैक एंड सारा कुछ, वार्डरोब वाज फाइनल, लुक टेस्ट हो गया, एवरीथिंग वाज डन, आई वाज अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी. टू डेज बिफोर द शूट आई गॉट टू नो दैट आई एम रिप्लेस्ड फ्रॉम समवन हु इज ऑल्सो प्लेइंग अ सिस्टर्स कैरेक्टर लाइक मीरा, बट शी इज वेल नोन. Okay. Better than me. She has better followers. काफ़ी टाइम से काम कर रही है, ऑन एंड ऑफ लीड भी कर रही है. तो फिर मैंने उस टाइम पर सोचा कि ठीक है, ये तो मैं कर ही सकती थी, 100% मैं कर सकती थी, बहुत अच्छा भी करती, बट वो दिखाएगी ज़्यादा उस ड्रामे को, उसके होने से वो ड्रामा दिखेगा ज़्यादा. सो प्रॉब्ली ये वो लोग ये सोचते हैं, बट आई थिंक बाकी लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लाइक पीपल लाइक मी. एंड अब तो 2 साल से देख ही रहे हैं ना, जो आप कह रही हैं इट मेक्स सेंस. शायद अगर मैं प्रोडक्शन हाउस की हेड होती तो शायद मैं भी ऐसे शायद मैं भी होती तो मैं ये सोचती. लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात करते हैं ना, हम लॉन्ग टर्म कंटेंट और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की बात करते हैं, तो फिर हम नए लोगों को जब तक नहीं लेकर आएंगे आपकी इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? आपको नए फेसेस अगर नहीं मिलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? कितनी देर तक आप उन्हीं फेसेस को उन्हीं पेयर्स को देखते रहेंगे? For this, I will be banned from it. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब तक चांस नहीं लिया जाएगा, एंड आई एम नॉट सेइंग, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज में नहीं हूँ कि आप, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पहली दफा, लेकिन जिन लोगों का काम हम देख चुके हैं, अगर हम उनको लीड पे या एटलीस्ट पैरल लीड पे या सेकेंड लीड पे नहीं देंगे चांस, तो हमारी ये सीढ़ी चलेगी कैसे? हम तो यहीं रुक जाएंगे. Exactly. We are actually there, na, so, this is what exactly going on. Sorry, नहीं आप बोले. So exactly वही हो रहा है ना, like we have bunch of great actors now. हर कैरेक्टर के लिए बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर थे, छोटे सीन के लिए बड़ा अच्छा एक्टर था, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ छोटा काम है, कम काम है, लेकिन बड़ा पोटेंशियल वाला काम है, करूंगी मजा आएगा करने में. लाइक दानिया की जो अप्रोच है कि यार कम भी काम हो ना, लीड नहीं हो, डजंट मैटर, पर काम ऐसा हो कि जो नजर आए, वो द बैंग, राइट. यू एज एन एक्टर मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरा काम ऐसा हो जो नजर आ जाए लोगों को, ऑडियंस को नजर आ जाए कि मैं कर सकती हूँ वो चीज. और हर तरह का, हाँ कभी कभी ये वाली फीलिंग बिल्कुल घूम फिर के आती है कि यार मतलब
क्यों नहीं कर, ये वाला काम, ये कैरेक्टर भी तो, ये एक्टर भी तो लीड कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता. वी हैव सच ग्रेट एक्टर्स, लाइक वी हैव रेमा, वी हैव राबिया कुलसुम, माय नन ऑफ कोर्स, शी इज ब्रिलियंट एक्टर, बट देन यू सी, अच्छा जी बहन के कैरेक्टर में उनको मेहनत नहीं करनी, उनको बहन ही बनना है, बहन बन जाएंगे. वो डिफरेंट तरीके से आपको 10 दफा बहन करके दिखा देंगे, लेकिन देन वही वाली बात होगी. सो क्या इंडस्ट्री ने लीग्स बना ली है कि अब ये ग्रुप हो गया ये तो लीड में आएगा, और ये ग्रुप हो गया ये तो सपोर्टिंग एक्टर. ये तो शुरू से आ रहा है ना, ए और बी कैटेगरी की ज्यादा नहीं हो गया. और पता है मुझे क्या लगता है, ये जो सेकंड लीड और ये बहन ने जितनी भी सारी हम बन रही है ना, इन पर मेहनत नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है. सो यू राइटिंग अबाउट परफॉर्मेंस और यू आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग के, यू नो यू टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस या कैरेक्टर जो लिखा जा रहा है. आई विल टेल यू, फॉर एग्जांपल एक ड्रामा बन रहा है, उसका ये सर्टेन प्लॉट है, इसके लिए 3 लीड फाइनल किए, इनमें से कोई, इन ये तीनों बहुत अच्छा कर लेंगे. अब इसमें से जिसको जो चाहिए उन्होंने वो लीड के साथ ड्रामा लॉक कर दिया, ठीक है. अब उसके इर्द गिर्द जो है ना वो बस 2-3 दिन पहले शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं. हाँ ठीक है, 2 दिन बाद छूटे, हाँ 3 दिन बाद छूटे, हाँ 1 हफ्ते बाद छूटे, रिप्लेस भी हो गया. लाइक आई वॉज रिप्लेस्ड एंड दैट गर्ल वॉज कास्टेड 2 डेज बिफोर द शूट. सो आई वॉज लाइक, अच्छा इसने कर लिया 2 दिन पे, चलो मैं तो, चलो ठीक है आपने मुझे छोटी बहन की तरह से ले लिया, बट शी इज़ वेल नोन. अच्छा मतलब ये होता है कि हाँ लीड को लॉक करो, उसके साथ कैरेक्टर स्टडी भी होगा, उसके साथ स्क्रिप्ट नरेशन सब डिस्कशंस भी होंगे, बाकी तो चलता रहता है. तो आई थिंक इस चक्कर में भी ना बहुत मुझे, आप करवाएं ना ऑडिशंस, बुलाएं, आप देखें उस कैरेक्टर के लिए कौन ज़्यादा ठीक रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता. सो यस, बट आई हैव अनदर पर्सपेक्टिव जी दैट आई वांट टू शेयर. बिल्कुल बिल्कुल, ये है इसीलिए ताकि हम एक वेल राउंडेड कन्वर्सेशन करें. बिकॉज़ आई वांटेड टू सपोर्ट हर आइडियाज, और जहां मैं रेजोनेट कर सकती हूं रेमा के साथ एज अ न्यूकमर, ऑफ कोर्स आई विल एम्पैथाइज कंप्लीटली एंड आई रेजोनेट विद दैट. बट ये है कि हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है. जैसे मैं यूजुअली किसी भी, अगर कोई नया शो मुझे इनवाइट करता है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा हुआ, तो बिफोर गोइंग ऑन अ शो मैं जाके एक दो एपिसोड्स देख लूँगी कि यू नो क्या इनका फॉर्मेट है कुछ है. सो दिस वन टाइम वन ऑफ द गेस्ट, मैं उनका सुन रही थी, तो उन्होंने जब पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, और इन रिटर्न का जवाब कुछ इस तरह से था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना कभी भी बहनों और भाभियों वाले रोल ऑफर ही नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलल लीड किए और लीड किए. मेरे लिए ये माइंड सेट लीड और पैरेलल लीड के अलावा बाकी सारे थूथू हैं. इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि एक ड्रामा ना सिर्फ एक हीरो और एक हीरोइन बना नहीं सकते. बिल्कुल, उस हीरो को हीरो बनाने में और हीरोइन को हीरोइन बनाने में भी ना एक बहुत बड़े वेब की जरूरत होती है, जो कि, और इसीलिए एक डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर और एक डायरेक्टर उतना अच्छा डायरेक्टर नहीं होता, कि वो किस तरह सारे परोता है कैरेक्टर्स को, किस तरह से वो इम्पैक्ट आता है एंड में. तो वो वाली पार्ट जो है वो एक्चुअली डायरेक्टर की होती है. सेकेंडली ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो पहले, बहुत पहले की बात कर लें, चाहे आप हॉलीवुड चले जाएँ, बॉलीवुड चले जाएँ, चाहे आप यहाँ पे रहें, मेल सेंट्रिक हीरो जिसको बोलते थे, वो मेल हीरो होता था. और हीरो क्या होता था, जो मार रहा होता था, अग्रेशन, दैट टॉक्सिसिटी, दैट जाके बदला लेना, वेंजेंस, वो था. फिर जब आहिस्ता आहिस्ता अगर फीमेल सेंट्रिक भी हुआ, तो जब तक औरत ने, चाहे वो आप हॉलीवुड ले लो चाहे बॉलीवुड ले लो, औरत के हाथ में गन पकड़ के उसने अपने बचपन का बदला, अपने माँ बाप का बदला, जाके गालियाँ जब तक नहीं दी, तब तक वो एक हीरो कैटेगरी में नहीं आई. बट फीमेल सेंट्रिक एज इन फेमिनिन रोल्स अब रिसेंटली आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो इफ एनीबडी विल लाइक दिस और नॉट, बट आई विल, एक करंटली एक ड्रामा चल रहा है मैं, राइट, एंड maybe you will say Aiza is the heroine, maybe you will say the hero is Wahaj. For me neither of them are the hero and heroine. Protagonist usme Aiza ke appa hai for me. I don't take Aiza as the heroine, I don't take Wahaj as the hero of that particular drama. Meri concept bada us drama ke liye na different hai. Ab kahaniyan bhi aisi ban rahi hain, aapko ek hero aur ek heroine ab nahi dikhta, अब कैरेक्टर्स होते हैं. और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह भी आ रही है, क्योंकि अब हमारी जो ऑडियंस है, वो जो एक प्रोडक्शन हाउस ना, बार बार अगर ड्रामा अच्छा नहीं चल रहा या आप और मैं उसकी तारीफ ना करें, तो वो कहेंगे आप टारगेट ऑडियंस नहीं है. आप ऑडियंस ही नहीं हो यार, आप वो नहीं हो, आप तो ऑडियंस ही नहीं हो. तो साफ आपके लिए नहीं बना ड्रामा, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ना, कि आप तो ऑडियंस हो ही नहीं, आप तो बोलो ही नहीं, क्यों नहीं हो मैं ऑडियंस. पहली बात, मैं इस जगह काम करती हूँ,
मैं अपना काम देखती हूँ और जिस जिसके घर में टीवी है और वो ये देखता है वो आपकी ऑडियंस है, तो आप खुद ही से ये नहीं कह सकते कि आप मेरी ऑडियंस नहीं हो, आप तो बोलो नहीं। यानी आप कह रहे हो जिन लोगों को मैं बेवकूफ बना सकता हूँ वो देख सकते हैं, जो बेवकूफ नहीं बन रहे तो वो कहते हैं आप यहाँ का काम नहीं देखो कहीं और का देखो। वेरी रॉन्ग। आजकल तो लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं लेना चाहते। हाँ, तो खैर व्हाट आई वांटेड टू सी वाज कि आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर मैंने देखा, मैंने शुरू किया और मेरी शायद हार्डवर्क और लक दोनों चलते हैं ना, तो मैं तो जब शुरू में आई आई फेल्ट आई वॉज वेरी लकी ऑल्सो, क्योंकि मैंने धानी किया एज अ सपोर्टिंग एक्टर और मैंने वहाँ बहुत लर्न किया, क्योंकि सपोर्टिंग एक्टर के लिए चलो वाली बात ना मैं बात ना करती, ठीक है। मैंने वहाँ पर आखिर की कुछ एपिसोड्स थी कि धानी के मोनोलॉग्स थे अबाउट व्हाट हैपेंड टू शानी हर सिस्टर एंड एवरीथिंग, और मैं हमेशा से, मुझे नहीं पता लोग किस तरह करते हैं, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ अपने काम पे, मैं अपने कैरेक्टर पे बहुत रिसर्च करती हूँ, मैं एक्टिंग वेज के ऊपर बहुत रिसर्च करती हूँ, और ज़रूरी नहीं जो हॉलीवुड कर रहे हैं वो करूँ, कि मेरी ऑडियंस कोई और है, आप नहीं हो, ओके। तो द थिंग इज उस सारे के अंदर करते करते मैंने ये सीखा कि बेशक मेरा मोनोलॉग है लेकिन इस वक्त शानी ने ना खाना नहीं है, शानी ने जो कुछ करना है, क्योंकि शानी एक सपोर्टिंग एक्टर है, इस वक्त मेरे पूरे मोनोलॉग ने इम्पोर्टेंस देनी है धानी को, ओके, जो अंडरस्टैंड। और मैं देखती हूँ हमने सेट पे देखा है एक छोटा सा बंदा आता है, वो पता नहीं क्यों, फॉर व्हाट रीजन, और जरूरी नहीं है कि जब तक आप चीखें और चिंगाड़े वो ही आपकी अच्छी एक्टिंग हो, लेकिन जैसे किसी की आवाज निकलती है और तोड़ फोड़ होती है सेट पे, खा गई सीन, खा गई यार, खा गई। बट मैंने खुद सोचा कि मैं जब एज अ ऑडियंस कभी कभी देखती थी, मैं ये देखती थी कि ये बंदा क्यों इतना ओवर हो गया, इसका बनता नहीं था यार, क्या खाया इसने, सॉरी, यू नो, मतलब जब मैं इंडस्ट्री में काम भी नहीं करती थी तो मैं यही देखती थी, मैंने कहा ये बंदा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर गया, क्या जरूरत क्या थी ये करने की। वही वाली बात है ना दानिया, वेयर यू से कि अच्छा मैं ये, इसने ये किया है ना, अब मैं जरा ऊपर से आ जाऊं, तो ये वाला पार्ट लेकिन मतलब जरूरी नहीं है ना, वही वाली बात की एक्शन का रिएक्शन है, आप अगर छोटे से कैरेक्टर के लिए भी आए और आपने बगैर डायलॉग के आपने सब कुछ कर दिया, जरूरी नहीं है कि चीखो, इट डजंट हैव टू बी दैट, यू आर एन एक्टर, यू विल डू इट, whether you're playing a lead character or a supporting cast, obviously एक चीज की इंग्रेडिएंट बहुत जरूरी है, इंग्रेडिएंट पूरा नहीं होगा, मेरी इंग्रेडिएंट थी, तो राइट आफ्टर दैट फसी बारी अप्रोच्ड मी फॉर अ मदर माइंस प्ले, इट वाज फालतू लड़की एंड इट वाज एन इंडियन मुस्लिम गर्ल, एंड फसी बारी वांटेड अ न्यू फेस, ही वांटेड अ लीड जिससे कोई, जिसको एक एलिनेशन हो कि वो एक इंडियन मुस्लिम लगती है, तो इस वजह से दैट वाज आल्सो लक वेयर दे नीडेड अ न्यू फेस, एंड ही वाज जस्ट फ्लिपिंग थ्रू द चैनल्स एंड ही सॉ मी, ही सॉ व्हाट आई डिड एंड ही सॉ कि मैं जहां नहीं खाना था वहां नहीं खाया, हालांकि मेरे पास मार्जिन था, तो आई थिंक माम विल अग्री, रहमा आई डोंट नो सो मच बट आई थिंक समवेयर और द अदर, मुझे ऐसा लगता है आई एम थैंकफुल कि मेरे पास ना बहुत बड़ी ईगो नहीं है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, पर मेरे पास बेवजह की ईगो नहीं है। दानिया, दैट्स व्हाट यू नीड, राइट? वन, आई नो व्हाट दैट एक्सप्रेशन मींस, बट या, कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ईगो तो, ओके, आप तीनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए, एंड दानिया जो आपने लास्ट किया, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता है हर इंसान की, हर इंस्टीट्यूशन की, हर प्लेटफॉर्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल, और तो मैं, मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, तो आई वांट टू क्लैरिफाई कि जब जो आपने बात बोली और वो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि क्या बाकी जो सपोर्ट में लोग कर रहे हैं वो फालतू के हैं, वो ऐसे हैं, सो फर्स्ट आई वांट टू क्लैरिफाई कि दिस इज नॉट विद द इंटेंशन ऑफ फ्यूचर और मी, ऑफ कोर्स, आई एम आल्सो, यू नो, आई अंडरस्टैंड, आई एम आल्सो स्पीकिंग फॉर माय ऑडियंस टू अंडरस्टैंड आवर पर्सपेक्टिव, नहीं बिल्कुल, नो नो नो, दैट इज नॉट टू अंडरमाइन यू, आई थिंक आई एम एक्सप्लेनिंग दैट इज बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, एंड जो हम ये टॉपिक रेस कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जो इम्बैलेंस है ना इंडस्ट्री में, वो थोड़ा सा सही होना शुरू हो जाए, अब मैं थोड़ा साफ बात कर रही हूँ, क्योंकि आई रियली बिलीव व्हाट यू आर सेइंग इज़ द ट्रुथ, अभी हमने काबी पुलाव में नादिया अफगन का कैरेक्टर देखा, अमेजिंग अमेजिंग, शी मेड अस क्राई, शी मेड अस एंग्री, दैट वाज नॉट वन ऑफ द लीड पे तो नहीं थी ना, हीरोइन नहीं थी, हीरोइन नहीं थी, बट स्टिल वी फेल इन लव विद हर, सो दैट इज व्हाट वी वांट कि हमारे जो मेन हीरो हीरोइन के अलावा भी जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रांग लिखे जाएं, उसमें लोग जैसे रहमा ने कहा कि एफर्ट ही नहीं होती, उनको कास्ट करने के लिए भी एफर्ट की जाए, लेकिन वो बैलेंस तभी होगा जब आप इस लीड के चक्कर से बाहर निकलेंगे,
ठीक है. सो लेकिन लीड के साथ और बहुत सी चीज़ें आती हैं, नंबर्स आते हैं, फैसिलिटीज़ आती हैं, यू नो रेवेन्यू आता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं गोइंग फॉरवर्ड इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, ड्रामास, बेटर प्रोजेक्ट, ये सब इसके साथ आता है. तो हम तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कि जो लोग वाकई डिजर्व करते हैं क्या उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, यू नो वो हम इसलिए इसको रेज करें. बट आई कम्प्लीटली एग्री विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट पॉइंट बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन द ड्रामा. देर आर सर्टन डायरेक्टर्स एंड सर्टन स्क्रिप्ट होती हैं, जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे लगता है एंड आई गेट सो हैप्पी कि उसमें हर कैरेक्टर का एक वजह होती है. वो कैरेक्टर ऐसे नहीं होता, नहीं होता और आपको उस कैरेक्टर की कहानी सुनने में मजा आ रहा होता है, चाहे वो 5 मिनट के लिए आ रहा हो चाहे वो 10 मिनट के लिए आ रहा हो. तो आई होप कि हम अपने मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामास में इसी तरह सीरियसली इस चीजों को ले सके. चेंज हो रही है बट लेकिन वहां मुझे लगता है उसके साथ जो नहीं होना चाहिए वो भी स्ट्रांग हो रहा है, नहीं भी स्ट्रॉन्गली हो रहा है, और जो चेंज होना चाहिए वो थोड़ा होना शुरू हो गया. दैट नीड्स टू बी एक्सेलरेटेड. लेट्स बी टू बी बट देन अगेन वी डोंट वी डोंट वी वांट टू सी मोर ऑफ रेमा, वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, वी वांट टू सी मोर ऑफ दानिया, यू नो इन बट देन यू नो व्हाट व्हेन यू से दैट कि वो कैरेक्टर इस तरह से अक्सर ये होता है कि अच्छा हमारे ये वाला इशू भी तो बहुत है ना, इनके पास डेट्स नहीं है उसको ले लो एक ही बात है. तो कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स आज सब लाइक मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ही कोई टॉप एक्टर होंगी या दानिया कोई बहुत ही कमाल कैरेक्टर, इनके ऊपर कोई हमारे ऊपर एक्टर आया ही नहीं है, अमेजिंग एक्टर्स हैं, हैव अ लॉट ऑफ गुड एक्टर्स, हां मतलब बहुत सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कभी कभी हम एक कैरेक्टर में उनको देखते हैं चाहे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, कभी कभी लीड भी होता है, आप बोलते हो यार ये आई कैन नॉट एक्सेप्ट हर एज दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, बट क्योंकि वो वहाँ है फॉर वट एवर द रीजन, वट एवर उनके नंबर्स अच्छे हैं या वट एवर द थिंग इज, कभी कभी हम ऑडियंस को तो वो दे रहे हैं बट ऑडियंस भी बैकफायर करती है. अब तो अब तो हमारे पास जो वॉरियर्स बैठे हुए ना जो चाह के भी और ना चाहते हुए भी सब कुछ बोलते हैं तो वहां पे भी वाली चीज आ जाती है. तो अच्छे कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं सपोर्टिंग कास्ट के लिए भी, सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए भी, लीड्स के लिए भी, लेकिन क्या उनको वैसे एक्टर्स वो चीज निभाते हैं? Also, क्या वही एक्टर्स को टाइम वो जगह मिलती है कि हाँ यार ये कैरेक्टर ये कर सकती है तो यही करेगी या यही करेगा, पर नहीं जो अवेलेबल है वो कर ले तो फिर तो कभी भी बैलेंस आउट नहीं होगा. ऑल्सो देर आर वेरी फ्यू एक्टर्स जो लीड पर हैं जो कुछ मुझे लगता है नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं विद देयर लुक्स विद कैरेक्टर्स जो भी है, वो लोग यूजली नहीं करते, वो उसी तरह से अपना ब्यूटिफुल वाला ही लुक रखते हैं. बट जो नहीं करते ना, जो सिर्फ ये वाले कैरेक्टर्स कर रहे हैं कि हम खूबसूरत लग रहे हैं रो रहे हैं, they're doing the same thing. I don't want to name people but they are doing the same thing for years and years now. Agar yahi karna hai then I would say we're not in the race first of all ki nahi ab hame lead milna hi chahiye, kal tak to aa jana chahiye. Nahi, we're not in the race. I just say ki hamare characters ko bhi us level par appreciate kare ya ek dekhe, ha iske 4-5 drama dekhe, now she's polished, now we think we can you know work with her more important more ha is tarah se kare because सेम ही चल रहा है इन अ लूप हमारे इंडस्ट्री में. दैट्स व्हाट आई फील. सॉरी एक फनी बात बोलनी है, ड्रामे देखें ना देखें, इंटरव्यू जरूर देखेंगे और उसमें जितनी बातें पकड़ेंगे बस पे ही हमारा फ्यूचर सारा डिपेंड करता है. ओके मुझे ये बताएं ऑडियंसेस का कितना रोल है? हम इंडस्ट्री को बोल रहे हैं, हम कास्टिंग को बोल रहे हैं, प्रोडक्शन को बोल रहे हैं, हम डायरेक्टर्स राइटर्स सबको बोल रहे हैं, लेकिन ऑडियंस का कितना रोल है एक एक्टर को एक्सेप्ट करने में इन अ सर्टेन रोल, और एक एक्टर की को वो ड्यू क्रेडिट देने में भी जो वो डिजर्व करता है या नहीं करती, या इवन लेट में एक्सेप्ट करने में? आप लोग के एक्सपीरियंस क्या है? मैं बताऊं? नो नो आई रियली लाइक आई थिंक ऑडियंस का बहुत ज्यादा, फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ऑडियंस रिएक्शन सब होता है. हमारी इंडस्ट्री में सॉरी बट कुछ लोगों ने हमें 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है ना, कि जो हमें पता है जो हमें अच्छा लग रहा है दैट इज आई टेक दैट इनटू अकाउंट आल्सो, बिकॉज अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो वो चीज़ें मुझे रखनी है. लेकिन कुछ चीज़ें इंडस्ट्री उस तरह से एक्नॉलेज नहीं कर रही होती है जिस तरह से बाहर आवाम कर रही होती है, और आवाम कुछ भी कहे आहिस्ता आहिस्ता वो 1.5 इंच की मस्जिद के अंदर घुस जाता है. तो आवाम का बहुत मैटर करता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर ही हों, उसमें हो सकता है कि वो कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा हुआ हो, दोनों चीजें उसमें कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है. इंग्रेडिएंट कैन बी एनीथिंग, आप प्यारे लग सकते हैं, आपका कैरेक्टर अच्छा हो सकता है, लोगों ने रिलेट बहुत किया हो सकता है. जैसे अभी आलिया भाभी है सान फरामोश की, फॉर सम रीजन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो जो उसके ऊपर गुजरी थी ना इतना लाइक आई वॉज माइंड बॉगल्ड. वो इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ा शायद कैरेक्टर या ड्रामा नहीं है, बट फॉर माई ऑडियंस मतलब मेरा बाहर चलना
शायद लोग अब दानिया को याद नहीं रखते, हर आलिया भाभी, आलिया भाभी, आलिया भाभी, आलिया भाभी, सो यू सी दैट मैटर्स. ऑफ कोर्स आल्सो वाइस वर्सा भी हो जाता है कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा बट कुछ चल गया उनका एंड सब ऑडियंस उनके पीछे पागल हो गई है, तो उनको भी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा काम मिल जाता है और वो उल्टा पड़ जाता है. तो ऑडियंस इज रनिंग, तो ऑडियंस की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि इसको आगे करें. नहीं, बिल्कुल ऑडियंस की है, बिकॉज ऑडियंस ही है जो हमें, हम जो है वो बनाती है ना. मतलब हमें काम मिलता है, हम काम करते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो हमें आगे काम नहीं मिलेगा. आप जब क्यों, आप टीवी पे क्यों आना चाहते हो? मुझे लगता है आप, आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको देखें, आपको पहचाने, आपके काम को पसंद करें. वेदर आपने नेगेटिव काम किया हो, आपने पॉजिटिव काम किया, आपने कुछ कॉमिक किया हुआ, जब लोग आपको देख के किसी ऐसे शहर में या मुल्क में या किसी ऐसी जगह पे आपको बोलते हैं ना कि आप वही है ना, या आपको आपके कैरेक्टर के नाम से पहचानते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है. फिर भले ही आपके नंबर्स हो नहीं हो, इट डजंट मैटर, व्हेन द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स विद सो मच लव, या उनको लगता है कि उनको कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना है, तो ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल होता है. और जब हम ये बात बोलते हैं ना जहाँ पे कि जी ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, ये वही वाली बात कि आप मेरी ऑडियंस नहीं है, आपको नहीं पता, उनको ये देखना है. तो मुझे ये भी लगता है कि अगर हम ऑडियंस को डिफरेंट फ्लेवर्स भी देंगे ना, तो अगर वो उनके ऊपर छोड़ देना, हम एक चीज तो दे ही रहे हैं, एक डिफरेंट फ्लेवर दे के देखें, क्या पता वो भी एक्सेप्ट कर ले. हम तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए नहीं है, हम उनकी वजह से हैं यहाँ पे. सो दैट डेफिनेटली मैटर्स. जब आप थिएटर भी करते हैं तो आपका पहला रिस्पॉन्स आपके ऑडियंस से ही मिलता है उस मीडियम में. व्हेन आई डिड थिएटर तो मुझे सबसे ज्यादा डर ही उस बात से लग रहा था कि ये कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज आई एम वर्किंग विद पीपल जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं थिएटर के या टीवी के. और उनके बाद जब वो आपको एक्सेप्टेंस मिलती है तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार, यही है जो सब कुछ है. सो दैट व्हाट मैटर्स. ऑफ कोर्स. अच्छा, आप तीनों बीइंग फीमेल एक्ट्रेसेस, being female actors, आपको लगता है society judge करती है अभी भी females को when they join, जब भी वो acting की field को join करती हैं, तो society अब मुझे ऐसा लगता है accept कर लेती है या अभी भी आपको होता है? It's a mixed bag. Actress है. नहीं, मुझे ऐसा लगता है चढ़ते सूरज को सलाम होता है. और शुरू में मैं अपनी अगर बात करूँ, society की बात कर रहे हैं, right? माशरे की बात, माशरे के आसपास के, मैं वही उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ कि आसपास के लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग, खानदान के लोग, जनरली भी जो तो होता है ये. मुझे जो ऐसा लगा कि मैंने जो भी पहले, जैसे मैं पाकिस्तान टीम में हूँ और मैं इंटरनेशनली स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हूँ पाकिस्तान को, तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो एवरीवन वाज लाइक, ये क्या कर रही है इनकी बेटी, और ये इन्होंने कहाँ भेज दिया, मर्दों के बीच में ट्रेनिंग करती रहती है और ये करती रहती है. जब मैं पाकिस्तान को 4 गोल्ड मेडल दे रही थी साल के, एवरीवन वाज लाइक, आ ये तो भाई, ये तो वो है, ये तो वो, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने तो आपका इंटरव्यू देखा था. सेम इज़ द केस विद जब मैंने इधर स्टार्ट किया मॉडलिंग और एक्टिंग. जब मॉडलिंग किया, सेम फीडबैक, अब मॉडलिंग में लग गए, ये तो बहुत गलत बात है. फिर जब मैं फेमस होने लगी, सेम एक्टिंग के साथ, हाई एक्टिंग करती है तो बहुत ही छूट दे दी, अब इनकी बेटी तो बस गई हाथ से और ये हो गया और पता नहीं क्या हो गया. बट अब वो मेरे ड्रामे देख के, अच्छा आप ये हैं, आप इतरत हैं, आप वो हैं, जी बहुत अच्छा लगा, एक पिक्चर ले लेते हैं. तो आई थिंक हिपोक्रेसी है. मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं, हर घर में एक लड़की ऐसी होती है जिसको इंडस्ट्री में आना है, या एक लड़का ऐसा होता है जिसको ये करना है, वो कर नहीं पाते, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते. तो मुझे लगता है उस पर वो बड़े हार्श कॉमेंट्स कर जाते हैं समटाइम्स, बट यही है रियलिटी. जो तानिया ने बात किया, कम्प्लीटली एग्री विथ हर एंड ऑल्सो पार्शली विथ हर, बिकॉज हाँ, होता है जब आप फेमस होते हो लोग आपको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले कि वो एक्सेप्टेंस अब आ गई है. जैसे पहले आप किसी को, लड़का या लड़की, डजंट मैटर वुमेन, बट ऑल्सो मेल एक्टर्स, मेल पीपल हु वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, वेदर देर एक्टर्स, देर डायरेक्टर्स, वट एवर, राइटर्स ऑल्सो, कोई भी इस प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं समझता था प्रॉबेबली पहले. Yes, I agree. अब ऐसा हो गया है कि जब आप लोगों को बताते हैं ना, व्हाट डू यू डू, तो मतलब आई एम एन एक्टर, तो पीपल यूज्ड टू से पहले कि अच्छा अच्छा, बट व्हाट डू यू डू? या आई एम एन एक्टर, आई एम प्रोफेशनली एन एक्टर, आई अर्न थ्रू एक्टिंग ऑन टीवी, ऑन थिएटर स्टेज, आई डू फिल्म्स, व्हाटएवर. अच्छा, लेकिन नहीं, तो सीरियसली क्या काम करते हो? मतलब कभी उसकी एक्सेप्टेंस वैसे नहीं थी ना कि प्रोफेशनली कोई एक्टर बन सकता है. मतलब ये कैसा काम है? अगर आपका बच्चा बड़े होकर आपको बोलेगा कि जी मुझे तो पेंटिंग करनी है, मुझे राइटिंग करनी है, तो सबसे पहले माँ बाप ही बोलते हैं अक्सर घरों में कि इसका बेटा ये क्या है, मतलब ये हॉबी है, हॉबी कर लो, ये तुम्हारा घर नहीं चला सकते या ये नहीं करेंगे. तो सबसे पहले तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी ना. अब काफी हद तक आ गई है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मीडिया साइंसेज, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, एक आपको अवेयरनेस है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं अब. तो आई थिंक वो वाली एक्सेप्टेंस आ चुकी है.
और जो पीटीवी पे ड्रामे देख रहे होते थे और कोई उस पर जब क्रिटिसाइज करता था ना, जैसे अम्मी है, अम्मी एक फ्रेंड आई गई या कजन आई गई, हम कहीं गए हैं, तो कहते हैं यार ये देखो जरा इसको एक्टिंग आती है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, तो मेरी अम्मी फॉरेन कहती थी तो उसको नहीं आती तो तुम जाओ या अपने बच्चों को भेजो अगर तुम्हें लगता है कि आती है, तुम लोगों को काम करना बुरा लगता है ये, बट यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हो. सो ऑन दैट पार्ट आल्सो आई थिंक आई एम आल्सो लकी दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसने हमेशा इस काम को एक काम की तरह देखा. तो वो लेकिन जब ये अभी ये बिल्कुल ठीक कह रही है वहाँ, लेकिन ये पिछले कोई 2-3 साल में इस तरह से हुआ है, क्योंकि जब मैं भी इंजीनियर बन रही थी तो या तो आप उस जमाने में इंजीनियर बन रहे हैं या जैसे मेरी बहन डॉक्टर है, आप डॉक्टर बन रहे हैं या कुछ. अब आप लड़कियों से लड़कों से पूछो, बोलते हैं आई एम अ वार्डरोब स्टाइलिस्ट, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर, आई एम अ ब्लॉगर, एंड वी अर्न फ्रॉम दैट, एंड हम उससे कहते हैं दैट्स अ वेरी गुड चेंज. आई वुड से होना चाहिए, चेंज हो गया, हो गया काफी हद तक, और वो हो ही जाएगा जो कोई बहुत ओल्ड स्कूल वाली चीज है. लेकिन सेम में एक और पॉइंट आता है. हां प्लीज प्लीज यस. You know, we're talking about leads and stars and all of that. पहले के ज़माने में थोड़े से तो stars होते थे. अब वो stars होते थे. Unapproachable होते तो stars होते ही. वही हैं जो unapproachable होते हैं, right? अब क्या है कि हर कोई star है. Yeah. हाँ. Do you understand? आपके सोशल मीडिया पे कितने होंगे जितने के हो सकते हैं कि आपके नेक्स्ट डोर नेबर की बेटी के हों या बेटे के हों, and they are also an influencer. तो पता है अब क्योंकि हर कोई स्टार है तो व्हाट यू ब्रिंग, व्हाट इज योर इंग्रेडिएंट रियली मैटर्स. आपका ऑडियंस से कनेक्ट या आपका अपने काम में कोई एक ऐसी चीज करना जो ऑडियंस को अच्छी लग जाए, शायद मेरा सोचने का तरीका अलग है थोड़ा सा. और मुझे लगता है ओवरऑल वो चीजें चेंज भी हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राइटिंग जैसे आपने एक अभी हम कौन से उसकी बात कर रहे थे, काबुली पुलाव की बात करें, और वो देखो ना राइटिंग नरेशन ही चेंज हो गई उधर, राइट? तो जब वो चीजें चेंज हो रही हैं और ओवरऑल यही होता है, राइटिंग ही काफी चीजें चेंज करती है. बहुत सारे कैरेक्टर्स शायद माहम ने भी प्ले किए होंगे, रहमान ने भी किए होंगे, जहाँ पे हमें खुद भी नहीं पसंद है कि कर्व किस तरफ से जा रहा है, लेकिन राइटिंग में वो आया हुआ है. तो एज एन एक्टर आपके पास कोई ज्यादा मार्जिन नहीं होता, स्पेशली अगर आपको इन्फ्लुएंस फैमिली से नहीं आती या आप खुद कोई इन्फ्लुएंस इस तरह से नहीं रखते, तो वो एक राइटिंग पे बहुत डिपेंड करता है. तो आई थिंक इस वक्त आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास कंटेंट अच्छा आना शुरू हो गया, हमारे पास राइटिंग अच्छी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत ज्यादा बन गए हैं. हैविंग सेड दैट, योर मेन क्वेश्चन कि जो लोग, हो सकता है ये मेरा माइंडसेट है, लेकिन एक माइंडसेट से लेट्स से एक लड़की एंटर हुई है इस फील्ड में जिसको लीड तक जाना है, तो उसके लिए दोनों चीजें, शुरू में यू आर द हॉट केक, हो सकता है कि आपको एक्चुअली काम मिले, लक पे भी डिपेंड करता है, लक हर जगह होती है, जितना भी हार्डवर्क कर लो लक होती है, राइट? मगर ये मैं बहुत सारे नए लोगों के लिए जो हमारे ऑलरेडी फील्ड में आ गए हैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, ये हुआ सबके साथ है. आप बैठ के, और अच्छी बात है कि अब एजुकेटेड लोग आ रहे हैं. एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं आप बाहर कैम्ब्रिज से पढ़ के आ जाओ, सेल्फ एजुकेशन भी होनी चाहिए. एक्सपोजर और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे एक्टर भी बन सकोगे, क्योंकि आपने अगर जाके कोई चीज करनी है आपको उस एक्सप्रेशन का, उस फीलिंग का, उस एटमोसफेयर का पता ही नहीं है, तो आप क्या हाक एक्ट करोगे, राइट? Having said that, जब नई लड़कियाँ आती हैं ना प्रोडक्शन हाउस में, जब उनको खुद ना भी जाए, रहमा यू विल प्रॉब्ली अग्री विद मी, उनको बुलाया जाए, जब वो जाते हैं तो एक बंदा उन्होंने रखा होता है पहले से, कहीं से बुलाया होता है, आप उसको ना कभी बाद में देखते हो ना कभी पहले देखा होता है, ठीक है? वो कहते हैं हाइट तो बड़ी छोटी है, सीरियसली आपका रंग, आपने आप गई हो, आपने अपने यहाँ का अंडर आईज का आपने करवाया है, आपने इंजेक्शन लगवाया है, ये करवा लो आप थोड़े से ना अपने लिप्स ऊपर से फिल करवा लो, कोई कमेंट आपको ऐसा हो नहीं सकता कि मिले नहीं. एक बंदा होता है वहां पे, मुझे तो ये वाला भी मिला है कि आप बहुत लंबी हो कि नेवर बीन, हां आप तो बहुत, आई हैव एक्चुअली फेस्ड दैट, मतलब आप जितने भी अच्छे हो जाएंगे ना कुछ भी आप कर लेंगे, देयर इज वन थिंग, मतलब ये तो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, प्रोबेबली जब नहीं, ये तो मतलब मैं ऐसी क्या बोलते हैं किताबी एग्जाम्पल दे, बट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में जाए तो हमारा हंस हंस के और हैरान हो के हाल बुरा हो जाए, किस किस तरह से बातें होती हैं. तो नई लड़कियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को इतना सेल्फ अवेयर करो कि पता हो कि व्हाट इज योर वीकनेस पता होनी चाहिए एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. अगले को तुम्हारी स्ट्रेंथ अंडरमाइन ना करने दो और अपनी वीकनेस दूसरे के हाथ में दो ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स दे देते हैं फालतू. अच्छा वाली चीज भी होती है ना, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ, ऑब्वियसली अगर मुझे 5 लोगों में से किसी 2 ने बुलाया है तो दे नो कि मैंने कुछ तो किया ही है ना, 2 काम थोड़े से, चूंकि ज्यादा नहीं देखा होगा, एक तो चीज देखी होगी, उसी वजह से बुलाया है, किसी भी वजह से बुलाया है, तो बुला के ना आपने कोई काम किया,
नहीं लास्ट ड्रामे में कुर्सी बनी थी आप बताए तो ये वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि आपको बुला के पूरा शटर कर दो ना कि इसको तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ आप कौन है पर आपको बुलाया है तो एग्जैक्टली दैट्स ट्रू आई विल सी What you can do? Let's see. और आप सोच रहे थे मैंने कौन सी सोर्स लगाई थी? यार मतलब मैंने नहीं हाँ कि मैंने क्या किया? मैंने किससे बताया? If you're calling someone, तो at least आप खुद भी तो उसके बारे में study करें ना. No, but you know Rema. कौन आ रहा है? No. They already know. They always know. They always have seen me. अभी आइए ये. और Rema, they always know. ये मतलब भी नहीं है न्यू पीपल न्यू एक्टर्स आई वोंट से कि मैं बहुत पुरानी हूँ या आप बहुत पुराने वी बीन वर्किंग वी हैव गुड टाइम्स बैड टाइम्स एवरीथिंग हमारी भी अप्रोचेस काफी हद तक थैंक यू खराब होंगी सही होंगी बट देन वाला पार्ट जहाँ पे वो होता है ना कि मैं आती ही उसके साथ हूँ कि आई हैव डन वन साइड कैरेक्टर बट आई एम एन हीरोइन एक बच्चा था वहाँ पे उसके फादर ने मुझसे बात कही थी आप ना वहां आपके अंदर वो स्टार वाला एटीट्यूड नहीं है मेरी कॉफी क्यों नहीं आई 10 मिनट में या मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ एंड व्हाई एम आई मेटिंग मेरा मेकअप क्यों नहीं हुआ रिगार्डलेस मेरा सीन शाम को 10 बजे कभी भी है रात के 10 बजे इट डजंट मैटर बट यू नाउअडेज दैट्स आल्सो थिंग कि आप वो रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई है आपका कोई ऐसा सीनियर एक्टर बैठा हुआ है आई ऑलवेज दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय सीनियर्स फ्रॉम माय फैमिली एंड दैट्स हाउ माय अप्रोच इज आई विल ऑलवेज मीट देम विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी वर्क हैव दे डन माय स्वीटेस्ट फ्रेंड व्हेन आई स्टार्टेड न्यू वन ऑफ माय को-एक्टर्स ही एक्चुअली सेड बात सुनो महंगे से हेडफोन्स खरीदो इट्स ऑल अबाउट दिस इट कम टू दैट नाउ एंट्री ना तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए मैं चाह के भी नहीं कर सकती ये जो आप सब लोग बातें कर रही हो मेरा दूसरा सवाल उसी को मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी दोनों कनेक्ट हो जाए ये सिर्फ फीमेल्स को फेस करना पड़ रहा है या ये बस कोई भी हो सकता है इफ यू वांट टू बी द एक्टर Then you female, have to have the attitude. Male, female does not. No, no, it doesn't matter. Whether you're playing a mother, whether you're playing a father, whether you're playing a main lead or the supporting cast. Nowadays, supporting cast are very newbie. And probably they're just doing one thing. They're probably coming for one scene. Haan, but they will have that attitude. And I'll be like, yaar, ye kaise hota hai? Sabse pehle toh matter karta hai. What, how do you approach your elders there? Not elders and then. Let's face it, she's saying it right. Attitude. आपका अपनी जगह बट रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हैव इट रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स हैव इट इट डजंट साउंड कूल टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू योर सीनियर्स नो इट्स नॉट इट डजंट तो ये बर्दाश्त क्यों किया जाता है सेट पे क्योंकि वो एक तरीके से बर्दाश्त हो रहा होता है सो वी एज एन एक्टर इफ वी डोंट लाइक समथिंग विल प्रोबब्ली से दे लिसन टू इट एंड वो यहां वहां बात हो जाएगी तो ये इन एक सीन करने वाले जो इतना एक सीन में ऐसी बात है कि उनकी बात सुनी जा रही है क्योंकि सैडली हमारे यहां अच्छे एक्टर को इस एटीट्यूड के साथ मिक्स कर दिया गया है कि इफ यू हैव दैट अप्रोच देन पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली सैडली और ऐसा होता है कि अगर आपका ये वाला एटीट्यूड है रिगार्डलेस ऑफ महंगे हेडफोन्स या नहीं लेकिन अगर आपका वाला एटीट्यूड है ना कि स्नूटी साइक आपको पूरा दिन भी बिठा के रखे आपका एक सीन हो रहा है तो जस्ट उन लोगों का जो बिहेवियर या उन लोगों का जो एटीट्यूड है वो ये नहीं है लाइक आई टेक इट एज अ जॉब दिस इज माई जॉब अपने टाइम दिया मैं आऊंगी मेरा ये काम है मैं करूंगी मैं अपना बेस्ट करूंगी इस टाइम में मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगी और जब मैं दूसरा काम करूंगी फिर मुझे आप तंग ना कीजिए ये इतनी छोटी हूँ मैं और होना चाहिए राइट लेकिन उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी हमें लाइक मैं अब अगर कोई तरह का स्नूटीपन दिखा रहा है और रहमा पहली दफ़ा आई है साइड पर वो देखेगी कि इसका स्नूटीपन है और रिटर्न को मिल रहा है वो चुप करके बैठी है वो बेचारी सुबह से पिस रही है उसको किसी ने चाय तो आई डोंट वांट टू बी दैट मुझे तो ये बनना है That's so how let's just be yeah. that. ने उनके role models वो कर दिए हैं ना yeah. उसमें उनकी भी गलती नहीं क्या एज अ फीमेल एक्ट्रेस आपको थोड़ा सा ये रखना पड़ता है ओ आई हैव टू बी वेरी केयरफुल मैं किस तरह बिहेव कर रही हूँ क्योंकि मैं जो बात कह रही हूँ वो किसी भी गलत तरीके में ली जा सकती है
हमारी क्या इंडस्ट्री एक सेफ जोन है फॉर फीमेल एक्ट्रेसेस? वी हैव टू बी कॉन्शियस, वी हैव टू बी केयरफुल. मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी से चार हंस के बात कर ली तो वो आपको, मैं ये नहीं कह रही कोई गलत तरीके में, बट दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि हाँ ठीक है इसकी तो चिलिंग है ना. जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है पहले हम उसको देख लें, पहले उसको जाके स्क्रिप्ट दे दें, सुबह पहले उसके आगे सब कुछ कर दें, ये तो ठीक है. इनका अगर हमारी तरफ से भी कोई मिस्टेक हो जाएगा जाके बोल देंगे रहमा जरा ये हो गया. बट मैं इस सेंस से बोल रही थी कि वो आपके हंसने मुस्कुराने आपकी गपशप को गलत अंदाज में ना ले. अच्छा मेरे साथ नहीं, बट ये मेरे साथ ऐसा तो मैं इसको लाइन मार सकते हैं. नहीं नहीं, अच्छा ये चीज होती है. अच्छा रिगार्डिंग दैट मैं बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाए रखती हूं अपने. सो बनाई भी है आपने, यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट कि अगर मैंने क्रॉस की तो ऐसा कुछ हो सकता है. नहीं रिगार्डलेस को भी नहीं इतना फ्री कराती इंडस्ट्री, ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है. इंडस्ट्री में लोग सोसाइटी से ही आ रहे हैं, राइट? एंड आई थिंक ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, और इसीलिए मैं बार-बार ये चीज अभी बोलना शुरू हुई फॉर द न्यू गर्ल्स कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको एजुकेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए लोगों को कैसे हैंडल करना है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से लोग हैं जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करेंगे और कौन से लोग हैं जो आपके साथ गेम खेलेंगे. आपको इतनी समझ होनी चाहिए. इतना नादान अगर आप हैं तो आप मत आइए, मत कीजिए ये सारे. और किसी भी फील्ड में इतना सेंसिबल आपको होना जरूरी है. एंड सेकंडली आई थिंक चाहे माशरा हो चाहे फील्ड हो, अगर आप एक गुड लुकिंग लड़की है या एक गुड लुकिंग लड़का है, आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है, आप अच्छे लग सकते हो किसी को. तो पहली दफा में अक्सर हो जाता है हमारे यहाँ कुछ तरह, अगर हंस के बात कर ले और अगले को लगे कि मे बी हम इनको डेट कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं आप चमाटे करा दें. आप पोलाइटली, फर्मली बट पोलाइटली आप अपना एक स्टांस रख दें कि देखिए जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड. और बहुत दफा इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती, बट बी क्लियर. मिक्स सिग्नलिंग में आप क्लियर बोले कि देखिए मैं सब इंटरेस्टेड हूँ, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, राइट? हाँ अगर उसके बाद आपके इस क्लियर मैसेज के बाद भी कोई आपको करता है, फिर आपको लेवरेज है कि आप आवाज उठाएं और आप बोलें कि he is really making or she is really making a fuss about it and I'm not interested in this and that. But usually मैंने देखा है इक्का दुक्का ही हुआ है कि किसी को जरा जोर की शटअप कॉल देनी पड़े हो पहली दफा में, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप बोले कि भाई नहीं, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं आपके साथ हंस खेल इसलिए रही हूँ क्योंकि हमने एक अच्छे माहौल में काम करना है, ये हमारा वर्क रिलेशनशिप है, इसके बाद खत्म, मैं अपने घर की आप अपने घर के. ये इंपॉर्टेंट होता है. और अगेन क्योंकि हम बात इस सब्जेक्ट पे कर रहे हैं कि न्यूबीज के लिए सपोर्टिंग से लीड तक जाना या हाउ एवर किस तरह से, सो दिस इज पार्ट ऑफ इट. तो आई होप इट हेल्प्स दोज पीपल हु कम इन. आपका अपनी पर्सनालिटी, आपका अपना कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, तो प्लीज वर्क ऑन इट फर्स्ट. और ये आके दूसरों के हाथ में ना डालें. मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो आती हैं, मैं तो कुछ ना, जी क्या सर, हाँ अच्छा, एंड देन यू आर गिविंग योर पावर अवे. आप अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी पावर किसी और के हाथ में रख रहे हो. प्लीज ऐसा ना करें. सीख लें क्या करना है क्या नहीं करना, पता करें. अब तो इतना एक्सपोजर है ना, आप कभी सेट पे नहीं गए, आप जाके यूट्यूब पे खोल लें, आप हॉलीवुड सेट्स, बॉलीवुड सेट्स, पाकिस्तानी सेट्स सब देख लें, वहां पे क्या होता है, किस तरह होता है. तो अब मैं कहती हूँ कोई ये नहीं कह सकता हमें पता नहीं था. अब मुझे एक्चुअली गुस्सा आता है, इतना एक्सपोजर है, आपको पता होना चाहिए. I think we as a woman, we come with this circle around us if we want to make that and if we are self-aware of that. I think a 5-year-old is also aware ke usko kis attitude se aage jana hai. 5 saal ki bachchi ko pata hota hai ki agla banda kis tarike se usko dekh raha hai, uski intentions kya ho sakti hai. I think ye hamara built-in alamiya ne hamare andar dal ke bheja hai. So when you come in a work environment, regardless of being a part of this industry, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, टीवी इंडस्ट्री में काम करते हो, आप टीचर्स हो, आप बैंकर हो, आप कहीं भी काम करते हो, औरतों को हमेशा ना एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो हम हमेशा एक सर्कल में होते हैं, हम एक बाउंड्री में वैसे ही होते हैं. वो नहीं होता कि आप शादीशुदा हो, आप सिंगल हो, या आप किस लिए आए हो. वो होता है अगर आप वो अप्रोच रखना चाहते हो तो. I'm not accusing anyone for anything. Please, nobody takes me that way. Ki acha hi kisko, no, but that is a very general thing. Yeah, but this is how it is. Whenever I enter a set, I come with the approach that I'm here to work. Okay. I want to work. I know मुझसे जो बात कर रहा है उसकी intentions मेरे लिए कैसी हो सकती हैं. मुझे उसकी आंखें देख के समझ में आ रहा है कि वो मुझसे क्या कह रहा है या मुझसे क्या expect कर रहा है. बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड उसको क्या सिग्नल दे रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है. और आपका अपना शऊर. हाँ, तो आपको वही मैंने इसलिए शुरू में कहा कि यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. आपके ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आई कैन नॉट बाय दिस फ्रॉम एनी वन हु से के हमें तो पता ही नहीं था.
हमें तो पता ही नहीं चला, वो नहीं होता, हो ही नहीं सकता, वुड यू होना चाहिए भी नहीं कि आप बोलो कि मुझे तो पता है, ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा पता होता है, यू ऑलवेज नो व्हाट द इंटेंशंस कुड बी, हाउ दिस विल बी मिसट्रीटेड. हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपकी इंटेंशन ना हो और मिस सिग्नल्स जैसे जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, दैट्स फाइन, चांस है, बहुत छोटा चांस है. इट इज नेवर इन अ वे कि आप ये कहो कि आपके साथ भी रहा, व्हेनेवर यू वर्क अराउंड विद पीपल विद मेन अराउंड यू, यू देयर इज ऑलवेज दैट वन थिंग. इवन वी गो आउट फॉर शॉपिंग तो वहां पे भी होता है, वी वेरी अवेयर कि अच्छा हम कहां जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और किसी के साथ कितना डिस्टेंस रख के बात करनी है इन एनी मैनर. तो आई थिंक वो इसके अंदर भी वही मैटर करता है. ये नहीं हो सकता कि मुझे पता नहीं चला. Okay. या मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा होता है. Okay. नहीं, सबको सब कुछ पता होता है. So, अपने बारे में पता होना चाहिए. So, चीजें होती हैं इंडस्ट्री में. Yes. Mixed. I will not say कि हर वक्त होती नहीं होती. हाँ, लेकिन पर होती जहां जहां मौका मिलता है, लेकिन जो विक्टिम्स मिलते हैं वहाँ होती है. लेकिन एज चाहे वो फीमेल हो मेल हो, यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू नो. और मेल्स हैव टू बी इक्वली केयरफुल. इट्स नॉट इजी फॉर द मेल. बट आई लाइक टू से समथिंग अभी कि एक तो सबसे पहले ये सब डिस्कशन के बाद कोई भी हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को या फैशन इंडस्ट्री को स्टीरियोटाइप ना कर ले कि भाई यहाँ ये सब कुछ हो रहा है. देखा, हमने तो कहा था अपनी बेटियों को ना मीडिया. ये हर जगह हो रहा है, इसलिए मैंने कहा एनी इंडस्ट्री ओवर. हम लोग आके हमारे काम का ये कि हम मीडिया पे हैं, हम बोलते हैं, बाकी भी हर जगह ये हो रहा है. और इसीलिए ये हम पर खुद हमारी फैमिलीज पे, अगर माँ हम इतनी कॉन्फिडेंट है, अपना ख्याल रख सकती है, जिस सर्कल की माँ हम बात कर रही है वो सर्कल हमारी फैमिलीज ने, हमारी फ्रेंड्स ने भी हमें दिया हुआ है. हमें वो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस पता है, हमें उन सिग्नल्स का पता है, हमें पता है कि हमें अगर कुछ गलत हुआ हमारे पास फॉल बैक करने के लिए लोग हैं. तो ये फैमिलीज को भी जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ फॉल बैक करेंगे. आप उन्हें फॉल बैक करने के लिए एक सेफ स्पेस है, रिगार्डलेस वुमेन और मेन. आजकल मर्दों के लिए भी आसान है. ओके, रहमा आपने इतनी अच्छी बात बोली, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस कन्वर्सेशन इज नंबर वन, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो आप लोग जवाब दे रहे हैं, उसमें आप लोग बहुत पॉजिटिव बातें भी करें. सच्ची बात है, कुछ चीजें मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट आप लोग बड़े डिफरेंट एंगल से ला रहे हैं. आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, यू नो, कि आप लोग अवेयर हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री की है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स की होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तीनों ने उठाया. दूसरे, क्योंकि हम ड्रामा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो हम उसी की बात करेंगे, राइट. थर्ड, ये भी है मुझे, क्योंकि हम ये बात करेंगे, आई ट्रूली बिलीव इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाकी जगहों पे भी होगा. अगर यहाँ कोई पंगा होगा तो आपको पता है, या किसी और इंडस्ट्री में भी किसी और के साथ कुछ हुआ तो वहां पे भी कुछ हो सकता है. क्योंकि एक वो होता है ना, इन्फ्लुएंस आप कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए भी हम ये करते हैं. तो आई एम रियली होपिंग कि बिल्कुल रहमा का, I love my job. I love what I do. Work that we do, I think इसके अंदर equally इतनी मोहब्बत शिद्दत की जरूरत है. Because कभी होता है ना, कोई बोलता है, मैं बड़ी एक मजे की बात, interesting सी एक बात यहाँ पे लूंगी, मेरे लिए बड़ी interesting है. लोग जब बोलते हैं ना, हमें शूट देखने आना है, और वो शूट पे आते हैं और वो इस उन्हें पता जाता है, उनको 2-3 घंटे तो वहीं सेट पे रहना है, लेकिन वो अगले 10 मिनट बोलते हैं अच्छा हम चले. नहीं हो रहा, पंखे के बगैर कैसे काम कर रहे हो, एसी के बगैर कैसे काम कर रहे हो. कि हमारी जॉब का, आई थिंक हमारे जितने पैसे है ना, वो सारे हमारे सबर और सबर. हाँ, ये बड़ा सबर वाला काम है. एक्टिंग तो मैं पैसे, एक्टिंग तो मैं फ्री में करती हूँ. हाँ, ये बड़ा सबर वाला काम है, जो करना चाहता है मोहब्बत से वही कर सकता है. और ये अभी जो हर एक का नहीं है, बहुत लोगों को शौक होता है, पर पता है, आई वुड लाइक टू ऐड कि इंडस्ट्री में काम करना लगता है कि बड़ा ग्लैमरस है, पर ये मजदूरी वाला काम 100% बाकायदा. हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हमारे जो आवर्स है, मतलब ऑन एन एवरेज फॉर पीपल लाइक अस, we work 12 to 14 hours. Could be more than that. That's an average. On an average, 12 to 14 hours. हम लोग 25 hours, 24 hours, 26 hours भी काम करते हैं, right? So इस सब के साथ अपना sanity maintain रखना, अपना look maintain रखना, अपनी diet maintain रखना, अपने personal relationships maintain रखना, ये हर एक के बस की बात भी नहीं है. और फिर जिस तरह की locations पे हम काम करते हैं, right? जिस तरह के bathrooms होते हैं, जिस तरह की वहां पे खाने आते हैं, कभी कभी आपको खाने में से स्मेल आ चुकी होती है और आप कहीं इतनी दूर होते हैं, वहां पे आप कुछ नहीं मंगा सकते.
आपको भूखा भी रहना है और भूख मेरे तो सर में चढ़ जाती है. मैं यू शुड डू हॉरिबल स्टोरीज आल्सो हैपनिंग ऑन सेट, देन यू विल फाइंड सो मेनी फनी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज रिगार्डिंग व्हाट गोस अराउंड ऑन सेट व्हेन वी आर एक्चुअली वर्किंग. एनी एक्टर दैट आई एग्री विद और आई डिसएग्री विद, आई रिस्पेक्ट देम और डोंट, रिगार्डलेस हम सब बहुत मेहनत वाला काम करते हैं. और जितनी गर्मी में लोग जब मर रहे होते हैं, हम एक्चुअली बगैर पंखे और बगैर एसी के पूरी एक्टिंग कर रहे होते हैं और बार-बार कर रहे होते हैं. और जब सबसे अच्छा हो जाता है, हो सकता है मैं पसीना आया हुआ और मैं फिर करना होता है. अगेन तहमुल अपने लिए भी और अपनी गलती तो बर्दाश्त हो जाती है, दूसरे की गलती पे तो ना गुस्सा आ रहा है ना कि अभी करना था, ये इतना नहीं हो पा रहा तुमसे. अपना तो होता है तो जाता है, क्यूट बन जाते हैं ना, पर सारी अपने अपने ऊपर ही रखे बोल रहे हैं. कोई बात नहीं, दिमाग में तो मैं इसका मर्डर कर दूं, ये क्यों किया. ऑल्सो एक ही दिन में आप अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो आप पहले गुस्सा कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट सीन में आप उसी से प्यार कर रहे हैं, फिर उस नेक्स्ट सीन में आप रो रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ इमोशन रिगार्डलेस कि आप चल रहा हो आपके बहुत खुश हो लेकिन आपको जाके गुस्सा और मैयत और रोना है. हो सकता है आप बहुत अपसेट हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जाके हल्ला गुल्ला करना है. इट टेक्स अ टोल ऑन योर एक्टर कि आई स्टार्ट फीलिंग इट except for the romantic scenes. मैं वो नहीं फील करती. Foreign disclaimer, foreign disclaimer. Why is that? यार नहीं, ऐसा कुछ इतना तो सीख लिया है अच्छी नहीं. तो वो बहुत ज़्यादा effect करता है. मुझे ये बताइए, pay scales are they equal for equal opportunities available हैं in terms of revenue for female actors? No. It's not about female actors, I believe. वो लोग होंगे जो सबसे पहले सेट पे जाएंगे क्योंकि कैमरा रोल हमसे शुरू होगा ऑलवेज, क्योंकि ये कुछ बोलती नहीं है. और सॉरी इतना काम नहीं, आई विल इंक्लूड यू इंडस्ट्री बन गई है. एक्चुअली वो व्हाई शी, मुझे बचा लो. नो नो, आई अंडरस्टैंड व्हाई शी इज सेइंग इट, बिकॉज़ हम जितने टाइम से काम हमारे दुख तकरीबन वैसे ही है ना. आल्सो लाइक आई यू नो, मैंने मां के साथ हमने बात की है, हम दूसरे को थोड़ा जानते हैं. उधर है मैम कंप्लीटली न्यू, मुझे नहीं पता, क्या पता एटीट्यूड दिखाती हो सर. ये बोले तो मैं ही हूं जिसके बारे में ये बात कर रही थी. इवन यस्टरडे माय कॉल टाइम वाज 9:30 AM एंड मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा लेट कर दें, 10:30 तक बुला लें, मैं एक घंटा और सो जाऊंगी. तो ही वाज लाइक नहीं, आपसे कैमरा रोल होगा, एक आपका टॉकी है, फिर आपका एक और सीन है एक एक्टर के साथ, फिर हम कंबाइंड कास्ट के साथ करेंगे. अच्छा मैं गई तो मेरा लंच ब्रेक के बाद सीन हुआ इन शॉर्ट, क्योंकि वो फिर सीनियर एक्टर अनएक्सपेक्टेडली बहुत पहले आ गई थी, तो शी वाज लाइक मेरा सीन नहीं है तो मुझे क्यों जल्दी बुलाया. माय पॉइंट वाज हम लोग जो हैं, हम लोग बैकअप फॉर स्टार्टिंग एंड रोलिंग अर्ली, कि अगर बाकी लोग देर होने तो मैं माहम और रहमा हम ही कैमरा जल्दी रोल करा सकते हैं, कि और कुछ नहीं तो हमारी फोन टॉक, हमारा कोई मॉन्टाज, क्योंकि हम रेडी हो जाते हैं. और रात को 9 बजे के बाद अक्सर कोई नहीं रुकता जो बड़े आर्टिस्ट लीग में आ गए ना, तो 10 बजे तक मैं और माहम और रहमा ही रुकेंगे, तो कैमरा क्लोज भी हम ही करते हैं. ये सब बोल बोल के कोई हमें इसलिए ना कास्ट कर ले तीनों को साथ के ये तुम्हारे फायदे है, हमारा मुझे तो काम कर ही नहीं फायदा. यू गाइस थिंक कि पे स्केल्स डिफरेंट होने चाहिए, डज नॉट मेक अ डिफरेंस स्क्रीन टाइम कितना है, रोल कैसा है. नहीं, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई दिस कि आप लोग जो आप लोग कह रहे हैं कि पे स्केल का फर्क है और आप लोगों को लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा आई वुड लाइक टू तो वो हमसे बहुत ज्यादा काम कर रहा है एंड हम वो डिनाई नहीं कर सकते. वो शायद OST का शूट के लिए भी 4 दिन कहीं जाएगा, वो अपना बाकी आगे पीछे की चीजें भी कर रहा होगा, उसके सीन्स भी हमसे कंपैरेटिवली नंबर ऑफ सीन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग भी हमसे ज्यादा होंगे, तो अगर उसको ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है, सही है. लीड का सेपरेट है, ठीक है. उसके अलावा जितने हैं उनमें बहुत फ्लक्चुएशन है. अच्छा, न्यूबीज को तो कुछ भी नहीं देते एंड नाउ अपने प्रोडक्शन न्यूबीज को बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि कभी-कभी जब हमारे ऑफिस के सीन्स हों और गलती से किसी का कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई. रियली आई लाइक वाओ, आई थिंक इट्स गुड, व्हाट been there many a time. आप कॉन्ट्रैक्ट आपके आप कहते हैं
तुम पागल हो, तुम कर क्या रही हो? वर्किंग फॉर पीनेट, ठीक है, नहीं कंप्लीट करती है फिर आप पे आते हैं. अच्छा, सो यू थिंक विद इन द रेस्ट ऑफ द कास्ट भी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है? मुझे नहीं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बुला के बोलते हैं बजट ही नहीं है. अरे फिर आप ड्रामा कैसे बना रहे इतनी बड़ी एक्टर के साथ अगर आपका बजट ही नहीं है? दैट्स इम्पॉसिबल, आपका बजट नहीं है. या दैट्स द थिंग, सो आई वाज लाइक अच्छा मतलब फिर क्या कर सकते हैं, अफसोस कर लेती हूँ मैं. आई इन माई ओपिनियन आई डू नॉट, देखो ज्यादा पैसा आना किसी को बुरा नहीं लगता, राइट, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को बिल्कुल क्रंच करते हैं फॉर व्हाट वी डिजर्व उससे कम. ठीक है, और आई थिंक पिछले 3 सालों से वो अपना रोना रोते रहते हैं कि ओ हमारे पास अब भी आजकल बजट कम है, बजट कम है. 3 सालों में यू सीन वेयर द मार्केट हैज गॉन एज इन फॉर अस इकोनॉमिकली, राइट. तो अगर आप अभी भी वहीं पे हमें ला रहे हो अपना इकोनॉमी का रोना रो के हमारे लिए डीजल बढ़ गया, हमारे लिए तो मेरे लिए भी तो सब बढ़ गया, राइट. सो वहां पर फिर आपको शायद फील होता है रिगार्डलेस ऑफ दैट आई डू वर्क आउट हाउ आई वॉन्ट एंड हाउ विल आई मेंटेन इट, राइट. आई विल नॉट लुक अप टू समवन एंड से कि हाय मेरी उतनी क्यों नहीं है. हाँ, लेकिन मुझे उन लोगों से ये प्रॉब्लम जरूर है कि जब तुम इतना पैसा लगा रहे हो, मांग रहे हो, ठीक हैव सम डिसेंसी, खाने के ऊपर झगड़ा ना करो, शाम को रिफ्रेशमेंट पे भी तुम झगड़ा करते हो, निकाल लो यार 500 रुपए, मंगा लो अपनी रिफ्रेशमेंट, उस पर भी झगड़ा हो रहा है. छोटी छोटी चीजें, इफ यू आर मेकिंग सम, हैव सम ग्रेस. दैट शोज योर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर. आई वांट पीपल टू नो विद दैट सम ग्रेस. विद दैट आई रिसेंटली वर्कड फॉर अ प्रोजेक्ट दैट ड्रामा हैजंट बीन ऑन एयर एज येट. आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, जस्ट से इट, बट आई वुड रियली वांट टू. सो व्हेन आई वेंट टू कलेक्ट माय फाइनल पेमेंट आई सॉ अ डिडक्शन हैपनिंग ऑफ 1150 रुपए. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, मतलब मेरी कैलकुलेशन, आई एम नॉट सो गुड एट मैथ्स, बट इतनी भी बुरी नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग. So the person who was actually handing over me the check was like, "Well, शायद आपने सेट पे 10 दिनों में ऐसा कुछ मंगाया होगा जो 1150 रुपए का आया था, तो वो हमने काट दिया है." और मेरी मदर इन लॉ भी उस सेट पे मेरे साथ थी, तो शी लुक्ड एट मी विद कंप्लीट एंगर एंड शी सेड, "तुमने हमेशा बोला था ना जो तुम मंगा रही हो उसके एक्स्ट्रा पैसे ले ले, और वो ऐसा नहीं होता था कि वो मेरे लिए कोई चीज स्पेशली आ रही होती है. प्रॉबेबली वहां का शायद बजट 200-150 रुपए होगा कहीं का, तो कभी आपने बोला होगा कि यार ये मंगा लो, चलो आप ये ला रहे हो, तो मैं पूरी आई एम दैट पर्सन, आई एम अ फूडी एज यू कैन सी, सो आई एम दैट. तो मेरा होता है कि अच्छा यार मजा आएगा अगर सारे मिलके, चलो मैं आज ये मंगा लेती हूँ, और उससे आपका 200 पर पर्सन है, चलो क्या खा रहे हो, इसलिए हम तुम प्रोडक्शन वाले थे ना, बाकी मैं दे दूंगी. तो अब इमेजिन कि 10 दिन के टाइम पीरियड में प्रॉबेबली मेरे कोई 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए किसी दिन ज्यादा इतने हुए होंगे. सो दे एक्चुअली handed over me a check with साथ में वो क्या कहते हैं उसको, receipt जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि 1150 रुपए 10 दिन के टाइम पीरियड में माह ने एक्स्ट्रा खर्च. लेकिन ये काट के दिखाए मुझे किसी ने, तो माह में 1150 मेरे लिए कट गए. क्यों कट गए? क्योंकि मैंने कुछ बोला. Similarly, do you know with one of my projects, मैं तो वहां पर उनके पैसे, क्योंकि इतना बजट कम है, मेरी अपनी इज्जत मुझे बहुत प्यारी है, माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज देयर फर्स्ट, राइट. आपका इतना है, मैं अपने हमेशा खुद मंगाती हूं. हाँ, मैं वहां तो उनके अपने बजट को भी कट आउट नहीं करती. I will just order mine or either on Foodpanda or something. I just pay money, right? That is the reason my mother-in-law was so annoyed. इसके बावजूद मेरे ना कोई 7-8 हजार रुपए माइनस, छोटी सी है, लेकिन मुझे मेरा होता है कि बात फेयर होनी चाहिए. किस चीज के कटे मुझे बता दो, लॉजिक बता दो, अगर जायज है रखो, पर जायज नहीं है तो आई नीड अ रीजन. एंड यू नो व्हाट आई फाउंड आउट, कि वो फला बच्चे के, वो फला बच्चे के, उसने दूसरों के अकाउंट्स मेरे ऊपर क्यों, एक मैं एक आपको ऐसा सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी मिल गई हूँ जिससे आप बाकी खर्चे भी पूरे करेंगे, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आई एक्चुअली हैड अ होल डॉग विद देम, आई वाज लाइक व्हाई फ्रॉम माइन, व्हाई नॉट फ्रॉम द डायरेक्टर. आप कह रहे हो कि क्रू के फला चीज आ गई, फला बच्चों को फला मंगा दिया था, मैं क्यों भरूं? आपके पास से क्यों कटे? हां, मैं क्यों भरूं? तो व्हाट अबाउट दोस डेज जब हम एक सीन करा के चल जाते हैं और शाम तक नहीं रुकते, रिफ्रेशमेंट के पैसे बच जाते हैं ना? ये वाली बात क्या जो लोग एक एटीट्यूड दिखा के एक अलग कमरा लेके और सबके आवाज सही करते हैं, मुझे कभी कभी लगता है हाँ सही करते हैं, इसी तरह की इज्जत मिलती है. कभी कभी मुझे लगता है नहीं यार टू मच है, बिकॉज मैं पर्सनली एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ये सब चाहे. मुझे टीम वर्क लोगों के साथ, स्पेशली अगर मेरे सीनियर्स हैं,
मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मैं उसमें आपको एक बात बताऊँ, शुरू में ना मुझे ऐसा लगता था जब मैं कुछ सेट्स पे गई कि यार हम सब यहाँ बैठे हुए हैं एंड हम इंजॉय भी कर रहे हैं, सीन भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, वो अलग बैठी, पहले मैंने कहा बोर नहीं होती होंगी, फिर मैंने सोचा अल्लाह मतलब कितना एटीट्यूड है, अलग कमरा लिया हुआ है और किसी से बात नहीं करी, सिर्फ सेट पे आते हैं, केमिस्ट्री भी नहीं बनती होगी ये वो करके। बट लेटर ऑन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि सम पीपल दे वॉन्ट टू फोकस ऑन द कैरेक्टर, एंड जो सेट का मेकअप रूम होता है ना वहाँ कभी गाने भी चल रहे हैं, कभी बातें भी हो रही हैं, वो फोकस नहीं बन पाता होगा। One of the many reasons. Probably. But कुछ लोग जो हैं उनका मैं कहती हूँ अच्छा ही अलग बैठते हैं, जब वो साथ बैठे हैं ना उसके बाद मैंने कहा भाई अच्छा ही है, इनको अलग ही बिठाओ, अगली दफा मैं सुबह जाके सुनो अलग एंगल मिल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट लॉट ऑफ द पीपल यस इवन, और अगर आपको गाने चल रहे हैं मैं आई विल डिस्क्रीटली गो साइड डू माई लाइन्स आई विल कम बैक, वो चीजें मैनेज हो जाती हैं। कुछ लोग अगर जेन्युइनली कमरा इसलिए अलग लेते हैं जायज है, व्हाट डू यू थिंक सो? किसी मैनेजर की जरूरत है, पीआर कंपनीज की जरूरत है, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? Yes, and I think so. Now, now the way things work, it is in the benefit of an actor, especially अगर वो नया है, चाहे वो पुराना है तो भी, क्योंकि पुराने लोगों को नई चीज़ें जितनी देर में समझ आती हैं, ये पी आर एजेंसीज ऑलरेडी वो चीज़ों पर काम कर रही होती हैं, तो वो आपके लिए काम तेज़ कर देती हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या मैं इतने पैसे बनाऊँ तो मैं 30% जाके दूँ ना उस एजेंसी को? मुझे अगर पैसे ही तुम इतने दे रहे हो उसमें से भी मैं 30% एजेंसी को ले तो मैं घर क्या लेके जाऊँगी? A lot of people of different types I'm in sure, the industry. I'm sure. Do you feel the PR and the managers and all these companies also are a reason हम बहुत attitude भी देखने लगे हैं actors का? नहीं भी हो तो ये create करवा देते हैं। Apologies to all the PR managers. नहीं मैं मैंने अब मैं जो बात करने लगी थी और मैंने कहा आप क्या आपका सवाल है उससे related होगा, मैं आना उसी part पे जा रही थी। Yes, important है, और बहुत सारे पीआर एजेंसीज के कुछ मैनेजर्स ऐसे हैं जिनके जो एक्चुअली अपने एक्टर्स को भी थोड़ा सिखा के भेजते हैं कि कहाँ कितना करना है। आई हैव मेट विद सम रियली गुड पीपल जो मैनेज हो रहे हैं, जिनकी टीम्स आती हैं, मगर वो अपनी टीम पे इतना रिलाई नहीं करते, वो उनका लग रहा होता है ठीक है कि हाँ ये काम था उनकी टीम बीच में चली जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि उनकी टीम ने आके मेकअप रूम भी होल्ड किया हुआ है, आप सोच रहे हो कि इनकी बातें सुने कि अपना स्क्रिप्ट करें, क्योंकि ऐसा भी होता है। येट वो वाली भी हैं जिनसे एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल मेरे जो आलमंड्स हैं ना आलमंड्स वो निकाल के लाना, आलमंड्स आ गए खाने ये अभी तक यहाँ क्यों पड़े क्यों पड़े हैं यहाँ, तुम्हें किस लिए रखा है, वापस रखो। एंड आई एम लाइक दैट I am in my acting zone and this happens on the set. It's not okay. Yeah. And then how, I didn't sign up for this. And I how handicapped? आप कितने handicapped हो? आपको मतलब आपका बैग literally आपका बैग पता है कहाँ पड़ा है कि आपको झुक के यहाँ रखना था, लेकिन आप उस बंदे को वहाँ से आवाज़ दोगे। अब फोन मेरा यहाँ पड़ा है लेकिन मैं बोलूँगी जैसे वरदा फोन देना, अब यहाँ बात की उसे रखना यही है, मुझे इस चीज की तुक समझ नहीं आती। आई थिंक आप ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं बहुत जल्द साइकोलॉजिकली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन चीज नहीं है। ओके मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से बात कर रही थी। मैं कह रही थी वो जो आप कह रही थी ना उनके बारे में जो अलहदा कमरे में बैठे होते हैं, कभी कभी वो भी इन चीजों की वजह से ही ऐसे लोग आपको मिल रहे होते हैं जो अलहदा कमरे में बैठना शुरू कर देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी महम इस पे? हाँ नहीं एक्चुअली लड़की क्यों बोल रही? नहीं मैं तो कभी भी नहीं एक्चुअली हाँ ये वाला एक्सपीरियंस भी मैंने किया एक्चुअली यार ये आजकल बहुत ज्यादा हो गया महम। ये सेट पे से बात हुई थी, आई रिमेम्बर मैं फैजान से बात कर रही थी तो उसने मुझसे कहा कौन, मैंने कहा आजकल बड़ी टाइम पास हॉबी वाली भी आ गई जो कहती है, तो मुझसे फैजान ने बहुत पूछा था, टू बी ऑनेस्ट मैं भूल जाती हूँ, बट जब उसने मुझसे पूछा मुझे नाम याद नहीं था, तो उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया और मुझे 2-3 मिली जो कि एक तो आती हैं सारे नखरे भी दिखाती हैं, चीजें मांगती भी हैं और फिर कहती हैं मैं पैसे किलो तो कर ही नहीं रही। Oh, handle my dates, manage my things. And also they handle the social media. Yes, because I'm bad at it. Like you said, you're very lazy in doing all those things. I'm very lazy in,
इस बात पे तो मेरा पूरा खानदान शायद देख ही करेगा, भाई तस्वीर क्यों नहीं लगाती हो, अपडेट क्यों नहीं डालती हो, तुम्हारा भाई अच्छा नेटवर्क है, तुम फैजान और रबिया को तुम्हारी फिर भी बनवा देते हैं। वो पता है वो एक कोलैब, अब तो गॉड ब्लेस द कोलैबोरेशन पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, दीस टू पीपल इन माय लाइफ दे जेन्युइनली पुट एनीथिंग एंड टैग मी एंड देन आई एम पार्ट ऑफ दैट वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर बीइंग इन द वीडियो, दैट्स ऑल। सो हां, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक मैनेजिंग की जरूरत होती है कभी कभी, लाइक द पर्सन माई हस्बैंड इज, ही इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज जिनको ही डज नॉट वांट एनीवन टू मैनेज हिम बिकॉज ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। व्हाई आई एम गिविंग हिज एग्जांपल इज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे कभी कभी वो डीलिंग माई डेट्स एंड एवरीथिंग होता है, आई कांट जगल इन दीज डेट्स, आई एम सॉरी, मुझे नहीं, मुझसे हो ही नहीं रहा और मैं चार चार दिन जवाब नहीं दे रही, विच इज़ वेरी बैड। तो उस चीज के लिए मुझे लगता है कि हाँ, आई विश आई कुड हायर समवन फॉर मी, ऐसा नहीं कि नोबडी हैज अप्रोच मी फॉर इट, बट देन मुझे उस कमिटमेंट से भी मुझे थोड़ा होता है कि आई डोंट वांट एनीवन ऑन माय बैक कांस्टेंटली, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। सो आई, मेरे ख्याल से अच्छा भी है उसके और कौन दोनों के होते हैं, तो हाँ अच्छा भी है कुछ लोगों के लिए जिनके लिए, हाँ जो लोग इस तरह से फंक्शन करते हैं, मेरे जैसे लोग जो कि नहीं चाहते कि उनके बैक पे कॉन्स्टेंटली कोई और उनको ये सब चीजें बताए कि तुम्हें जाके ये करना है, तुम्हें जाके वो करना है। आई नो दैट इज वेरी स्केरी, सो हाँ काम के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर रात को 10 बजे मुझे कॉल आ रही है कि फना जगह डिनर है आपको जाना है, मैं वो नहीं करती। ये कौन सी मैनेजिंग कंपनी हो जाती है, ये कौन, तुम्हें कहां भेज रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? आई एम बीइंग मैनेज्ड बाय एन एजेंसी एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग इट। किस वजह से आपने उनको अप्रोच किया, कोई किसी ने मशवरा दिया या आपको खुद आइडिया था या शुरू से आपने? मुझे ऐसा लगता था कि मैं उल्लू बन रही हूँ थोड़ी सी, मतलब मुझे, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था कि अच्छा क्या बजट कोट करना चाहिए या किस तरह से, अच्छा ये कैरेक्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आई वॉज जगलिंग यू नो बिटवीन दैट, कि मतलब कुछ करके मैं बोलती थी ये मैंने क्यों कर लिया, ये मैं नहीं करती, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जब से मैंने, आई थिंक इट्स गुड फॉर न्यू पीपल जिनको फिर 10 साल से समझ आ गई इंडस्ट्री, वो खुद करना चाहते हैं खुद करें, बट फॉर समवन लाइक मी आई फाइंड इट वेरी ईजी एंड बेनिफिशियल कि हाँ आसान हो गई चीज़ें मेरे लिए, चीज़ें अब सॉर्टेड हैं, अब मुझे कुछ चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा, आई कॉल हर लाइक अच्छा इसको किस तरह करें, अच्छा ये नहीं इसको इतना बोलो, इसको दो दिन बाद इतना कहो तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा, एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स, सो आई एम लाइकिंग इट। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्या एक दो चीज़ें आप सब इंडिविजुअली आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप लोगों के ख्याल में इंडस्ट्री को करनी चाहिए टू फैसिलिटेट फीमेल एक्ट्रेसेस, या आपको लगता है एक दो चीज़ें होनी चाहिए फॉर फीमेल एक्ट्रेसेस? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, स्टार्ट टेकिंग वुमेन सीरियसली ऑन सेट, सी दिस इज समथिंग सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ काफी दफा ऐसे होता है, अच्छा जो मेल्स बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, हाँ कर रहा है, अगर कोई फीमेल डायरेक्टर भी सेट पे है ना, तो उसको भी, क्रू मेंबर्स भी, मैं किसी को ब्रांड आउट नहीं करें, बोलेंगे इसको क्या पता है कितना काम किया है, है कितना, कहाँ से आई है, ये कौन से फ्रेम्स बना रही है, क्योंकि वो औरत है इसलिए इसको शायद इतना सीरियसली नहीं ले रहे, या वो एक्टर अगर इस अप्रोच से बात करिए, अगर एक यंग बच्ची भी इस तरीके से बात करे तो उसको भी सीरियसली नहीं लेंगे, व्हाई, बिकॉज तो काफी दफा ये वाली अप्रोच भी लोगों की होती है, दे डोंट टेक पीपल वुमेन सीरियसली, कि भाई उनको सीरियसली लेना शुरू करो, इश्यूज तो बहुत सारे जिनको आप बोलोगे कि यार ये भी, और इतनी पेटी इश्यूज है जिसका आप बोलोगे यार ये भी हमारा मसला है, वुमेन हु होल्ड अ सर्टेन ग्राउंड इन द इंडस्ट्री, उन्हें भी ना फिर औरतों के लिए हाँ जेन्युइन होना पड़ेगा, सपोर्टिव होना पड़ेगा, डोंट cut people out of lobbies, so women need to support women in the industry, of course 100% women who have more acha talking about myself, mujhe hamesha alhamdulillah hamesha bahut acche log mile set pe, सपोर्टिव मिले, प्यार करने वाले, मुझे हमेशा ऐसे बच्चों की तरह रख के चीज़ें बहुत अच्छे से मेरी हमेशा से रही। एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद, जो आपने क्वेश्चन किया है उसका, जो मैं फेस करती हूँ, कि जस्ट बिकॉज आई एम अ न्यू बी एंड मैंने 2 साल से सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ, एक सीन है ना, तो उसके अंदर पीपल, व्हाट आई फेल्ट, पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, यहाँ तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ के डायलॉग बोल दो, दैट इज नॉट योर थिंग टू टेल मी, आई एम एन एक्टर एंड आई विल डू, या इट्स सो डिफिकल्ट, एग्जैक्टली, आई मीन बिकॉज़ दे आर योर सीनियर्स आल्सो समटाइम्स एंड यू आर लाइक अगर नहीं किया तो दे माइट फील डिसरिस्पेक्टफुल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई एम अ पर्सन की अगर मैं यहाँ सीन कर रही हूँ ना आपसे बात करते हुए रहिए, तो मैं कप उठा लूंगी और इनको अलग करके मैं इसको साथ करने, तो आपसे बात करती रहूंगी, दैट्स मी, आई ट्राई टू कीप इट रियल, आई कांट जस्ट यू नो, मैं इस तरह डायलॉग कर नहीं सकती, सो देयर वाज दिस सीन, मैं किचन के अंदर खाना बना रही हूँ, कोई आते हैं सब्जियाँ देकर जाएंगे और एक ताना मार कर जाएंगे जिसका बिल्डअप आगे दिखाया है, ठीक है, अब ही वॉन्टेड मी टू फोकस ऑन हिम व्हेन ही इज डिलीवरिंग द डायलॉग, व्हाई वुड आई डू दैट, If मुझे ये दिखाया सीन के अंदर आई एम कुकिंग, दैट मीन्स आई एम बिजी, इफ आई एम बिजी आई कांट गिव यू ऑल ऑफ माई अटेंशन, राइट, इफ यू जस्ट कमिंग एंड ड्रॉपिंग सब्जी आई कांट गिव यू ऑल ऑफ माई अटेंशन, सो आई विल डू इट अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, ही वॉन्टेड मी टू डू
इन अ वे कि उनका इम्पैक्ट आ जाए उस डायलॉग का, भाई मेरा लूज हो जाएगा ऐसे तो मेरा निकल It doesn't matter what you as an actor think for yourself. I am very important, so it needs to be for also, me in your scene also. सिर्फ एक्टर की ये डिमांड नहीं होती कि तुम एक मिनट रुक के कह के चली जाओ ना, मेरी चार लाइनें मुझे वो कहने दो. मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब खाना जल रहा होगा ना पीछे अगर ये दिखा रहे हैं, ठीक है. दूसरा DOP पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि आप इतने मूव्स करेंगी तो कितने कट्स बनाने पड़ेंगे. अरे दैट्स योर जॉब. आई मीन मैं कितने भी मूव करूं, मैं किचन में काम कर रही हूं. सो ये सब नए लोगों के साथ है, यू थिंक यू आर फीमेल, दैट्स व्हाई ये ज्यादा होता है. नहीं नए लोगों के साथ रिगार्डलेस, लड़कों के साथ ज्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज अभी जैसे एक सीन था कि दो मदर फिगर्स एक हीरोइन को कंसोल कर रही हैं, कोई बहुत ही बुरा हुआ है उसके साथ, ठीक है. अब मैं उसकी कजिन हूँ, छोटी कजिन, मेरा कोई डायलॉग नहीं है, मेरी आंखों में ग्लेयर है. तो आई वॉन्टेड टू गो एंड सिट डाउन लाइक उसके घुटनों के पास हाथ रख के टू शो अफेक्शन इमोशन कि दैट्स हाउ मच आई फील फॉर यू. आई डोंट हैव अ डायलॉग टू से बिकॉज दीज टू मदर्स आर टॉकिंग, बट मैं अपना तो इम्पैक्ट दे सकूं. एग्जैक्टली. परवाह की लाइट नहीं हुई, परवाह की लाइट नहीं हो सकती. आप नहीं बैठेंगे, हमें कैमरा एंगल यूं कुछ करना पड़ेगा, तो इसको इजीली हम जल्दी से रैप अप करते हैं, हम मामा के बराबर नहीं बैठे. तो ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर देयर इज सो मच दैट आई वांट टू कन्वे थ्रू माय बॉडी लैंग्वेज, नॉट जस्ट द डायलॉग्स. अगर स्क्रिप्ट के अलावा भी मैं बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से ग्लेयर निकाल के एक थोड़ा सा ऐसा करके भी डिलीवर करना चाहती हूँ, वो मैं कभी कभी नहीं कर पाती. But you will get a chance with one of the directors maybe. आपको शुरू में आई अंडरस्टैंड इसके साथ जो है मुझे भी लगता था क्यों मुझे इतना कन्फाइन कर रहे हैं. And you're new and you, उस वक्त तो आपके अंदर भरा हुआ होता है ना, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, आप लिमिटेड हो. ये भी तो होता है ना सीन के बीच में, ये इसमें तो इसी का सोलो लगेगा ना. ये भी तो पहले से पता होता है कि किसने किसका सोलो लग रहा है. तो खुद के बाद यू विल रीड द सीन एंड यू विल सी सारा तो इसी का सोलो है. हाँ. मैं दो साइड पे हूं, तो आई विल जस्ट डू इट व्हाटएवर. तो ये भी एक होता है कि अच्छा हमने अपने सोलो में इतने आंसू निकाल लिए विक्स लगा लगा के, और लगा उनका फायदा. थैंक यू सो मच लेडीज. आई थिंक आज बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई. एक चीज तो ये अच्छी हुई कि हमें ये पता चला कि चले जो हमें ऐसा लगता है कि यार खवातीन के साथ ये हो रहा होगा, हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं. आप लोगों ने बड़ा पॉजिटिव यू नो फीडबैक दिया है, बड़ी पॉजिटिव बातें भी की हैं, और आप लोगों ने कहा है कि जो कुछ भी जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो मर्द औरत दोनों के साथ ही हो रहा है. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको फीमेल होने की वजह से कुछ ज्यादा आपके साथ बुरा हो रहा. ये एक मुझे लगता है एक अच्छी पॉजिटिव बात है. वो सैड बात यह कि बहुत कुछ और हो रहा है. एंड एक और जो चीज़ें हम बात करते थे उस पर भी आप लोगों ने डिफरेंट व्यूज़ हमें दिखाए जो शायद हम यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते, हमें नहीं पता. सो आई होप कि आज हमारी कॉन्वर्सेशन है वो सही लोग सुन रहे हो और सही मैसेजेस जो हमारी ऑडियंस हो, टारगेट ऑडियंस. ठीक है, आप हमारी ऑडियंस है. नहीं, आप सबने टाइम निकाला. ये बड़ी हमने दो दिन में ये प्लान किया है, क्योंकि एकदम से मैं बैठी थी, मुझे आइडिया, मैंने कहा ओ आई नीड टू डू दिस, एंड आई मैसेज दीस गर्ल्स एंड दे ऑल सपोर्टेड मी एंड फ्यूशिया. सो थैंक यू सो मच, एंड होपफुली अल्लाह करे कि ये हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उससे इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ जाए, और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हों, और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो ना हों. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट ड्रामास, और मे बी टुगेदर ऑल्सो. थैंक यू. थैंक यू.